अरे घोड़ा के पाड़ा नियन दे होंगे लेकिन सुधर लेना अभी तू आ उठा। अरे 9 बज गए। अरे कॉलेज ना जाई काई। अच्छा तो ते ऐसे ना उठ बे। ये ऐसे ना जागे काकी। हाँ बेटा तनि पानी लिया बता। ला हम पहले में से तैयार रख ले बानी। एक रोज के यह नाटक। भैया 9 बज गए का? हाँ 9 बज गए। तरकुल के तरह तोर देह हो गई लेकिन जिम्मेदारी के एहसास तोरा तनिको नहीं। अब जो नहा धोके जल्दी तैयार हो जो कॉलेज जाए के बाद। ठीक बा भैया। जाए जाए जानी तो जगह पे जाता जाए। का भैया? मंगरू। हाँ भैया। जानत अरे आज हमारा सपना में क्या आई लला? क्या आई रहे भैया? करीना कपूर। करीना कपूर हीरोइनी? हाँ रे हीरोइनिया। तो जाना तेरे का भाई? का भाई भैया वो हमारा पास आई। आए आए। और पास आए। आए। और रुकरा बाद ना। हाँ। हमारा कचकचा आई के पकड़ ले। कसम से भैया। हाँ रे कसम से। आए आए। तो ओकरा बात का भइल भैया? अरे तो ओकरा बात का भइल? हम हूं ओकरा ना कचकचाई तो पकड़ लेती। अरे झूठा के पेड़ बंद गई अपन किसा कहानी और नहा के जल्दी आओ। ठीक बा भैया। ए भैया फिर का भइल? फिर का भइल रे? फिर कुछ ना भइल। अरे भैया बताओ ना का भइल भैया? बाद में बताई हमरा ले। अरे भैया करीना कपूर सपना में आके कचकचा के पकड़ लेलस फिर का भइल भैया? अरे ओकरा बात का भइल? भैया आई ना हमरा ऊपर पानी डाल देना सारा सपना टूट गई। लखन। हाँ भैया। हम तोरा के रोज डांटी ले फटकारी ले सिर्फ तोरे भलाई खातिर। तोके तो पता है ना जब हमनी के छोट छोट रहन जा तो माई बाबूजी के देहांत हो गए। अब हम तो पढ़ लिख पौनी ना तो हम चाहता नहीं हमारे भाई कि तू पढ़ लिख के बहुत बड़का साहब बना। अरे समझ गई नहीं भैया का एक बात रोज रोज समझावेला। अच्छा 100 रुपया दा पेट्रोल भराओ के बाद। ओह 100 रुपया गाई ले 500 रुपया रख। 500? हाँ। अरे वाह आज तो बड़ा खुश लग रहा है भैया। ठीक है भैया जो भैया। प्रणाम। प्रणाम। का हो कैसन सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? भैया को बहुत जरूरी काम से आयल बानी जा। का भाई
भैया वो भोला रमुआ तो बहुत अति कर दे लेबा। कौन हूँ? किराना दुकान वाला डीलर? हाँ भैया। हाँ भैया वो है, तू तो सब जाना था। सरकारी राशन का सामान, चीनी गेहूँ मिट्टी के तेल और 2 रुपया किलो वाला चावल, जितना राशन आवेला ललका कार्ड वाला के आधा और राशन कार्ड वाला के आधा ही देवेला। और जब सामान बचेला राशन बचेला वो अपना दुकान में ब्लैक कर देला भैया। का भाई लो? हाँ भैया, हाँ भैया। अरे तो एक शिकायत तू लोग के प्रधान जी से करे के चाहे, हमसे काहे बताओ तारा लो। 15 साल से झेलता नहीं हमनी के प्रधान के। आउट और प्रधान और डीलर दोनों के आपस में मिली भगत है भैया, दोनों आपस में मिलल हमें और जौन फायदा होला वो आधा आधा मिलके बांट लेवे ले। चलो लोग हमों के देखा था नहीं। अरे काम मछली बाजार जैसे भीड़ लगा वाले बड़ा सन, चला लाइन में लगा, चला चला। हाँ तो रखा चाहिए, माटी के तेल चाहिए। माटी तेल खत्म हो गई बा। खत्म हो गई? हाँ, काले ट्रक भर गई और आज खत्म हो गई। अरे इतना बड़ा गांव में है एक ट्रक का, 10 ट्रक भी आई तो ना पूरी बात करा था। चल हाँ हाँ देख ले तो के। हाँ, तोरा के का चाहिए? 2 रुपया किलो वाला चावल, 35 किलो चाहिए। 2 रुपया किलो वाला चावल नहीं खे, 18 रुपए वाला चाहिए तो बोला। 18 रुपए वाला ना चाहिए? ना चाहिए तो भाग चल। अरे चाय का गपर गपर खाता रहा रे? बिस्कुट खाता नहीं बाबूजी। अरे तोरा बाप के माल हा, जे गपर गपर ले लेता रहा। और नहीं तो का, इस हफ्ता हमारे बापे का माल हा। बाप हम तो हाथ बेटा। अरे चुप, तोरा जैसा नालायक बेटा हमार नहीं क्या हो सकत। का जी हम ठीक करता नहीं ना? हमारा से क्या पूछा तारा, अपना पड़ोसी से पूछा का हो जाता। अरे चुप। ए डीलर साहब, हमरा के 5 किलो चीनी, 5 किलो गेहूं और 2 लीटर मिट्टी के तेल चाहिए। ए डीलर साहब, हमरा की चाहिए, हमरा के ऊ चाहिए। अरे इतना बड़ा लाइन लगल बा, तोरा लाकत नहीं खे, चल लाइन में लग। बाबूजी है ये लाइन वाली ना? हाँ बाबूजी। अच्छा तो कौन वाली है बेटा? ये तो हमार रिश्तेदार है। चुप, हमरा 7 पीढ़ी के खानदान में ऐसा सकल सूरत के लड़की नहीं खे, तो फिर ये तो रिश्तेदार कहाँ हो गए? हमरा कहे के मतलब ये है बाबूजी की तो हमार होके वाली रिश्तेदार बाड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ तो बेटा एकरा से राखी बनवा के एकरा के अपन बहिन बनी बेले। बाबूजी हमरा के मजाक पसंद नहीं खे। अरे एकरा से राखी बंधवाइए हमार सार, हम तो एकरा संगे 7 फेरा लेके तार पतो बनाई। अरे बच्चोनर, अरे जमुना के खानदान के पता नहीं खे, तै ओकरा के हमर पतो बनी बेरे। हाँ बाबूजी। अरे चुप, मार मार के तोहर हाथ तोड़ तोड़ दे। हैं आते हैं तै का टुकुर टुकुर देखा तारा रे। हैं सामान खत्म हो गई बा, चल जाए यहाँ से। चंपकली हाय हाय रे हमार डार्लिंग, काहे खिसी आके भागत तारू? तो का करू मोर राजा जी? अरे तोहरा के माटी के तेल ना चाहिए हो? मिल जाई मिल जाई, गेहूं तेल चीनी सब मिल जाई। तैना दोपहर 1 बजे के बाद आ जी, हम तोहरा के सब दे दे। अरे मोर राजा जी, तू हमरा के 1 बजे के बाद काहे बोला तड़ा? काहे कि 1 बजे की बात ना, वो हमार कंजूस मक्खी चूस दलिदर और वो खरो हवा कुकुर नियन बाप खाना खाए चल जाई। ओकरा बात तो यह हम तोहरा के सब दे दे। लेकिन तोहर बाबूजी तो कहत रहन कि राशन के सारा सामान खत्म हो गए। अरे वो झूठ बोलत रहले, सारा सामान घरे में पड़ल बा। तू भैया हम तोहरा के सारा सामान दे दे, वो भी फ्री में। तू हमरा के सारा सामान फ्री में दे दे बा, ओकरा बात के का इरादा बा? कुछ ना, ते खाली संजा के खरिहान में आ जी है बस। तू हमरा के संजा के खरिहान में बुला के कुछ अंट संट ना कर बना? ना 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 ना, कुछ ना कर, कुछ ना कर माई क्रिया। ते का फायदा? काओ काका? अरे राम बेटा, आवा आवा बोला। बहुत शिकायत सुनता नहीं तोहर। काओ कल बेटा? तू गांव वालन के सरकारी सामान ज्यादा भाव में बेचा था रा? एक तो दूसरा गांव से आके हमारा गांव में दुकान खोल ले बाड़ा और हमारे गांव के लूटा था रा? अरे राम 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 बेटा, पता न तोहरा के कौन पट्टी पढ़ाऊ ले बा। देखा बेटा, भले ही हम दूसरा गाँव के बानी लेकिन हम ये गाँव के अपने गाँव ही समझी ला। ये सब झूठ बा बेटा। तैयो झूठ बा कि तू और प्रधान मिल के गांव के गरीब लोगन के लूटा तारा लोग? जरूर हमरा खिलाफ तोहार केहू कान भर ले बा। ई देखा पूरा दुकान बा तोहरा सामने, काली सब सामान आइल और बट गई। ई झूठ बोला था? राशन के सारा सामान अपना घर में छुपा के रख ले बाड़े। काय कैसे कहा तारा रे? तोहरा से के बतावल के सारा सामान घर में बा? तोहर बेटा बतौलन। वो तो यहो बतौलन कि तू एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस दरिदर और खौराहा कुकुर बारम कुकुर। बंद कर तमाशा, चुपचाप गांव वालन के राशन दे दा, ना तो तोरा घर पे धावा बोले की पड़ी। ना 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 बेटा, हम तो हर कसम खाता नहीं, हमरा घर में कुछ नहीं खे। ठीक है कहल बा, लात के देवता बात से ना माने ले। चलो लोग। अरे क्या कर रहे हो?
अरे कहाँ घुसे? देखा तू आ जा बीच में। रुका तू लोग। अरे भीतर कहाँ जाता रहा? आओ देखा भैया, मिट्टी तेल के ड्रम और चावल के बोरा। अच्छा उठा लो संजय के जितना चाहिए। अरे रुका। सुना हम प्रधान जी से तुहार शिकायत कर। अरे का प्रधान जी से शिकायत करबा? हां तोहरा और प्रधान जैसन लोगन के जेबा में लेके घूमी ले और हमरा सब पता बा। ई सब तोहरा और प्रधान के मिली भगत है। तू और प्रधान मिल के पूरा गांव के लूटत आरा लोग। ई गलत बा, एकदम गलत बात बा। हम तोनी पर केस करब और एको जन के न छोड़ब। अच्छा त थाना में तू ई हो बतैया कि तू 2 रुपया किलो के चावल 18 रुपया किलो बेचत आरा, 16 रुपया लीटर तेल के 25 रुपया लीटर बेचत आरा। जाके बताइया का सबूत बा? पूरा गांव गवाही देई। प्रधानो ये लपेटा में दोनों जने के 7-7 साल के जेल होई, तब तो के पता चली। प्रधान के भी प्रधानी भीतर घुस जाई। दिखा भगत अरे भोला राम, तो राशन पताई को लूट ले गई। हाँ प्रधान जी, और राहुल नाम लेनी तो कहत रहे के तुहार प्रधानी घुसेर देब। तो हमार प्रधानी घुसेड़ी उगर इतना हिम्मत? हाँ भैया, वो यहू कहत रहा है कि वो तोहरा के 7 साल खातिर जेल भी करा दी। एकर दिमाग बहुत बढ़ गए बाबू जी। सर्वा गाँव में राजनीति करा था बाबू जी। अगर जल्दी कोनो इलाज ना भइल ना तो बता देता नहीं। हमनी का हालत कुकुर नियन कर दी। बिल्कुल ठीक कहा था रे रामेश्वर। एक काम कर, ओकरे खेत में ओकरा के जिंदा गाड़ दे। प्रिंसिपल आजे मारा ला। हर महीना तोरा कॉलेज में क्यों मर जा रहे? वो सब तक ठीक है भैया, लेकिन ये सब के मारत काहे मारत तू? इखनी के हम नहीं के मारत रहे, ये हमारा के मारे आइल माने सब। काहे? वो तो पता करे के बा। बोल के भेजे रे तोनी के? बोल बताओ के भेजे रे? बताओ के भेजे रे ना तो तोरा कुआ आते अपने? बताओ तोनी, बोल हमने के प्रधान जी भेजे रहलन? चल
काका ज्यादा नौटंकी मत करा, चुपचाप ही बतावा कि हमारा मारे खातिर गुंडा काहे भेजे रहला। हे बचवा, अरे हमके कौन जरूरत पड़ल है गुंडा भेजे के? अरे बाऊजी, हां तोरा के अग्नि के सफाई देवे के का जरूरत बा? अरे तोरा पास का सबूत है कि गुंडा हमनी का आदमी है? अरे तो तोरा पास का सबूत बा कि तू अपना बाप के औलाद हवे? अरे हमरा तो लगा था तोर मरा के दिन आ गइल बा। रुक तो रुक, ए चोर मार दे। अरे आज तो जाता नहीं प्रधान काका, लेकिन आज के बाद अगर हमनी से झुरैला तो हम भुला जाए कि तू गांव के प्रधान हुआ। चल लखन। राम लखन कहाँ बड़ा लोग? अरे मामा गोड़ लगाता नहीं, बैठी खुश रहा। प्रणाम मामा जी। खूब खुश रहा बाबू। ला भैया पानी पिया। प्रणाम दीदी। खुश रहा। और घर का हालचाल? हाँ सब बढ़िया बा। अच्छा अच्छा, तू लोग बैठ के बात करा, हम खाए के इंतजाम करता नहीं। हाँ। और सुनाई मामा? हम तोहरा खातिर एगो बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आयल बानी। कहा मामा, कहा हमके शादी ब्याह के चक्कर में फंसावता नहीं। मामा भैया के छोड़ा, हमके बतावा कहाँ के लड़की बिया? गाजीपुर के लड़की है। अच्छा, MSc पास बिया? लड़की MSc पास और हम आठवां पास, ऐसा ही जोड़ा सुनने में नहीं खेर निकलागत, ई बिया नहीं हो सकत। आठवां पास बड़ा था का भइल, पूरा 400 बीघा जमीन के मालिक बाड़ा, एक बार चल के लड़की तो देख ले भगी ना। उ का न मामा, शादी ब्याह के नाम सुन के हमके घबराहट होके लगेला, अब हमके कहने के जाए के? भैया तोरा जाए के पड़ी। अरे ना यार, हम कहते नहीं तोरा जाए के पड़ी। अरे चुप रहो यार, हमरा नीखे जाएगा मतलब नीखे जाएगा। मामा भैया के समझावा ना, वो पहले ब्याह करी है तबे ना उमर ब्याह हुई। लखन हमके घबराहट होता यार। नमस्कार, चिंता मत करा। नमस्कार नमस्कार महेश जी, ये हमार बड़ भगिना राम, आई छोट भगिना लखन। बबुआ लोग, ये हमें सुधा के पिता महेश। अच्छा, जी प्रणाम। प्रणाम। ये सुधा के माई है। प्रणाम। खुश रह बबुआ लोग। राम बेटा कितना ले पढ़ ले बाड़ा? आठवीं पास बनी। आठवीं पास? रउआ के तो पहले ही बतौले रहनी है ना, कमे उम्र में इनकर माई बाप गुजर गए रहले, घर के सारा जिम्मेदारी इनकर कंधा पे आ गए रहे, यही से ज्यादा पढ़ लिखे ना पवले, लेकिन गांव के जमींदार हमें गाड़ी घोड़ा सब बा। अच्छा अच्छा। सुनत अनी जी। हाँ का भाई लो? सुधा बिटिया हाँ कर दे ली। अच्छा अच्छा। हमनी के तो लड़का पसंद पड़े, अब रउआ लोगन के मन के खा विचार बा बताई। का हो राम, तोहरा के लेकी पसंद आयल की ना? का भैया? लखन तनी चलत। का भइल भैया? यार हम लेकी तो देखबे ना कनी। अरे तो लड़की देखाइल बड़ा तो लड़की देखे के चाही, तो मुड़ी नीचे गाड़ के जमीन देखा तारा, लेकिन कोनो बात ना हम देखनी है। कैसन बाड़ी? अरे एकदम झकास, सुपर से ऊपर। तोरा पसंद बाड़ी? अरे तुहारा उनका जोड़ी सीताराम के जोड़ी लागे भैया। अच्छा ठीक बात, तब चल। हाँ। मामा हमरो के लेकी पसंद बा। हमनी के तब समझी हो गई नी। चलिए अब मिठाई खाई जाओ। रुआ भी ली। महेश जी अब जल्दी से पंडित जी के बुलवा के शादी के मुहूर्त निकलवा ली। जी जी बिल्कुल। भैया वो बिचवा वाली भौजी बाड़ी। भौजी चिंता मत कर, बहुत जल्दी बारात लेके आवे के।
बहुत घबराहट होता हमरा। काल चली तो ना चली। अरे ऐसे कैसे चली, सुहागरात जिंदगी में रोज रोज थोड़े आवेला। और सुहागरात के दिन जेल ला जाला वो जिंदगी भर पछताला। चल अंदर। राम यहाँ कहे सुतल बा? दुल्हन, ए दुल्हन, अरे अरे हमार गुणमच्छुआ, भले ही दोनों भाई हमरा के काकी कहना, बाकी हमें घरे के नौकरानी है बिटिया। ए लोगन के माई बहुजी के मरला के बाद हम ही ये लोग के बचपन से पाल पोस के बढ़ गए बनी। तब तेरा और गोड़ छुए के हमार पूरा हक बा। अरे खुश रहा खुश रहा, सदा सुहागिन रहा लड़का होके। अच्छा ये बतावा, ई राम बहरा का है सुतल बा? रात में भीतर आयल रहेगी ना? आयल रहनी, लेकिन वापस तुरंते चल गई नी। अरे हो, ई तो एक निके खानदानी बीमारी है, एकर बाप भी सुहागरात के दिन खिड़की तोड़ के भाग गया। अच्छा सुनो, अब हम हो वह नाटक करब जो निकर दादी के ले रहली। सुनो, जैसे जैसे हम कहता नहीं वैसे वैसे तू कर जा, ठीक ना? जी। अरे यह का तमाशा होत बा भाई, 8 बज गए बतावा, आ नई बहुरी आइल गया घर तुम्हारे खातिर, 8 बजे ले भीतर जाके देखा टांग पसार के सुतल दिया। अरे का करता रु काकी, धीरे बोलो, सुन ले धीरे बोलो। अरे सुन ले तो सुन ले, हमरा के डर लागल बा का, जिंदगी भर हमर तार घर तुम्हारा। अरे चुप हो जा, हम तुम्हारा हाथ जोड़ता नहीं, बस चुप हो जा, मान ला हमार बात। चुप हो जाए, हम ही के चुप कर रही हैं। लौकत नहीं के पूरा घर गंदा पड़ल बा, बर्तन पड़ल बा। अरे अबले तो ओकरा के झाड़ू लगा लेवे के चाहत रहल। अरे बाप रे बाप, ई अरे पई छोड़ा पई का करता, छोड़ छोड़ छोड़, हम बाहर देता नहीं। ना हम कर देता नहीं। अब हम बाहर त नहीं ना। अरे छोड़ी ना, हम बाहर त नहीं। अब हम बाहर देता नहीं। भौजी, ए भौजी, भौजी हम तोरा ब्याह में कुछ गिफ्ट ना देले रहनी ना, तो ये हमारे तरफ से गिफ्ट। अरे ये तो कमाल के खिलौना बा। देखा भौजी, ये तो खिलौना बा, लेकिन हमके असली वाला भतीजा चाही, जौन हमरा के चाचा चाचा कह के बुलावे। और देखा लोग, हमारा पास बिल्कुल टाइम नहीं खे, जल्दी से भतीजा के इंतजाम करा लोग। हमार चंपा कली, आजा आजा भीतर आजा, बाबूजी नहीं खान, आजा आओ तन। आए आए, ये चंपा कली, ते सही सही बताओ कि ते हमरे संगे ब्याह करबे कि ना? कर भी सकी नहीं और ना भी कर सकी नहीं। ना 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 ना, ते क्लियर कर दे भाई कि ते हमरे संगे ब्याह करबे कि ना करबे। अच्छा ठीक बा बाबा, करब तो। बात ही चंपा कली कि कितना लोग कता मालूम है ना रहेला का? कि ब्याह के बाद का कल जाला तो बड़ा तकलीफ होला। हाँ। तो बाद में तकलीफ ना होके यही से एगो काम कल जा। काम? कौन काम? ब्याह के बाद का कल जाला, चला आज ओकर रिहर्सल कर लियल जा। ऐसन का? ठीक बा, तो चला करो रिहर्सल करी। अच्छा ता ते ये बताओ कि बिया के बाद ते का कर बे? बिया के बाद? हाँ, बिया के बाद हम
तोहरा खातिर नाश्ता बनाए। हमरा खातिर नाश्ता बनेबे? हमरा खातिर नाश्ता बनेला के बाद का करबे? नाश्ता बनाए के बाद? हाँ। नाश्ता बनाए के बाद? हाँ। हमू नाश्ता तो के खिया हमरा के नाश्ता खियेबू? अरे हमरा के नाश्ता खियेला के बाद का करबू? तो के नाश्ता खिलाए के बाद हम नाश्ता खुद खाए। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि रात में हाँ तो के खाना खिलाए? हम के खाना खिलाए? अरे हम के खिलाए के बाद खेल के बाद का करते हैं? तो के खिया के बाद? तो के खिया के बाद? तो के खिया के बाद वो खाना हम खुद खाए? तय खाए बे। अरे तो भुखमरिया खानदान के हबर करे कि बात बात में खाली खा पिया के बात करता रहे। हमरा के ये समझ में नहीं आवत कि तू हमरा के समझावल का चाहता रहा। खोल के बतावा हमके। रुका, सोचे तो हमरा के सोचे सोचा खोल के बताई। अच्छा अच्छा मान ला कि हम तहार मेहरारू हई हैं और तू हमार मरद हो। का हो? मरद। हाँ। और हम का है? मेहरारू। हाँ। तो जब तू रात में काम से थक हार के घरे आईबू तब तब तू हमरा से कह कहबू? तब हम कहे अरे काम चोर, हम थक हार के आयल बनी और तू भैंस नियन बैठल बाड़ू। अच्छा पहले ये बता कि ते हमरा खातिर खाना बनौले बाड़े कि ना? अरे दरिद्री फिर खा पिया के बात करे लगले रे। काबुले काबुले कुछ ना तोरा के खाली पेटे के भूख लागल रहेला का? ससुरी मुंह जोड़ी कर तारे। सरक चल सरक, पैर दबाओ। पैर? हाँ पैर। हाँ पैर। एगो हम आई जोन बिया के पहले अपन मेहरारू के पैर दबावत आनी। आए गो हमार कंजूस मक्खी चूस दलिदर और खड़ूस नियन पाप जोन आज तक हमरा माई का गोड़ दबावले ना हुई है। अरे कहाँ से दवाई है? वो तो आज तक कबो भी प्यार मोहब्बत इश्क लव ई सब कभी जानबे ना कहले। वो तो बस चोरी चकारी घोटाला ई सब में रहले। चोटा कहीं का? चोटा कहीं का? रुक बाबूजी, कहा जाता रहे? कहा रहे हम चोर हैं? हम चोटा हैं? अरे कंजूस हैं? रुक बिजली रानी, ओकरा के मार मार के हम थक गए बानी। हमार थकान मिटा दे बिजली रानी, चला हमार गोर दबा दे। अरे देखला अपन लड़का वो लड़की के कैसे पैर दबावत रहे। अब बैठा, अब तू हमार पैर दबावा। दबावा का? पाँव दबावा। काकी। हाँ बेटा। काल 4 किलो दूध अलग रख दे। वो कहे? काहे की काल हम खीर बनाई। काल हमरा बिया के 3रा सालगिरह है ना। अच्छा का भेल काकी, रवा उदास काहे हो गई? नहीं बेटी, बिटिया को बात कहीं बुरा तो ना मनबू ना? ना काकी, रवा बोली ना बिटिया तोरा ब्याह के 3 साल हो गए, अब ही तक घर में एगो बच्चा ना आईल। अब तो टोला मोहल्ला के लोग भी बात करे लगल। हम तो हर दुख समझता नहीं बेटा। तू ये काम करा, कैसो राम के मनाए के एक बार अंगार मोती माई के मंदिर चल जा। लोग माता रानी तुहार घोच जरूर भर दी है, हमरा पूरा विश्वास बा। तू तो जाना तारू माई, हम तोरा लगे काहे खातिर आयल बानी। हमार मनोकामना पूरा कर दमाई, हमार गोद भर दमाई। आंगनबाड़ी केंद्र टड़वा के कार्यकर्ता श्रीमती शीला देवी के असमय मृत्यु भैला के कारण जौन स्थान रिक्त भैल रहल, वो स्थान के पूर्ति करे खातिर गांव से तमाम आवेदन पत्र मंगवावल गए रहे। आवेदन पत्र देखला के बाद
गांव के उ महिला के चयन कैल गई जौन सबसे पढ़ल लिखल बाड़ी, और उ महिला के नाम है श्रीमती सुधा यादव। लेकिन हमरा क्या आपत्ति बा? अरे एक गांव में केहू दोसर नहीं के जे तू लोग इ बांझ के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बनावा तारा। एकर ब्याह भइले 3 साल हो गई, अभी लेको लेकन ना भइल। अरे ई का संभाली आंगनबाड़ी के लेकन के? बिल्कुल सही भाई, हम बिजली भौजी के बात से एकदम सहमत बानी। अब रहुआ लोग खुद है सोची। अरे भाई जकरा खुद है लैका फैका नहीं खे वो आंगनबाड़ी जैसन इतना ना महर जिम्मेदारी कैसे संभाल सके? रुका सुधा, सुधा ये गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद कैसे संभालल चाहत रही है कि भले इनके अपन लड़का नहीं खे लेकिन गांव के हर लड़का इनका अपन लड़का के समान बा। उकनी के खिला के पढ़ा लिखा के ही अपन दुख दर्द मिटावल चाहत रही है लेकिन इनकर छोट से खुशी भी आप लोग के बर्दाश्त नहीं खे। तो धन्यवाद, चलो सुधा। ए आरती, अरे का ये पुराना जमाना खेल खेल तरू, आवा तोरा के नया जमाना खेल खेलाई। अरे जा जा, हमरा सब पता बने नया जमाना के खेल। अरे एक बार खेल के तो देखा, ऐसन खेला कबो खेल नहीं ना उकबू। ए लखन बाबू, अच्छा बतावा कहाँ तो नया जमाना के खेल? नया जमाना के खेल ही बा कि हम तोरा के चुम्मा ले वो बिना छुले। इतना हो ये नहीं खेल सकता। अरे तो लगा ला सर, तू अगर सर थार गेलू तो 100 रुपया हमरा के दे दिया, और अगर हम सर थार गे नहीं तो तोहरा के 100 रुपया दे। ठीक बा, हमरा के मंजूर बा। मंजूर बा? हाँ मंजूर बा। पक्का ना? मंजूर बा? मंजूर बा ना? हाँ। एकदम सही में? हार गई ले। हाँ यार हम तो हार गए नहीं, सही में हार गए नहीं। इला 100 रुपया। एक बार और खेलबू का? हाँ खेल अब। अरे आरती, ये तू का कर तरू? वो तो हर खुल्लम खुल्ला चुम्मा ले ले सुबह 100 रुपया में। छुआ दिन छिटा जाएगा, चनी मारो तो लाइन पिटा जाएगा, सैंडल छ।
अपना आपके बहुत होशियार समझेला ना, लेकिन हमरा नजर में तोरा में आवारा लेकिन में कोनो फर्क नहीं खे जी हर लड़की की चालू समझेला सन। बेइज्जती हो गई यार, सर के एक से एक लड़की छोड़ के हम एकरा पीछे पड़ल बनी और ही बाकी भाव खा दिया। तू सही कहा तारा, लड़की जाते ऐसन होली सन ओहनी के जितना भाव देबा उतना ही कपार पे चढ़ जाली सन। देवर जी दारू पे क्या अलवानी का? हे भगवान, ये तो सही में दारू पे क्या अलवानी? ए जी, देवर जी दारू पे क्या अलवानी? देखी ना, कहां पानी जल्दी आई? देवर जी दारू पे क्या अलवानी? क्या दारू पे क्या आईला? देवर जी करे तू दारू पी ले है? ना भैया, कहां दारू पी ले बनी? तो तोर जवान कहां लड़खड़ा था रे? ना भैया, कहां जुबान लड़खड़ा था? तो हिलत कहां बड़े रे? ना भैया, कहां हिलत नहीं? आकर ऊना आकर तो सही में दारू पी के आयल बारे लाठी कहां बा? अभी एकर दारू छोड़ा होता दारू पी में दारू पी में दारू पी में दारू पी में कितना मारना, कितना मरना हमरा के। जाए दी देवर जी, रवा खातिर कुछ खाए के ले आई? ना बाबूजी, भूख नहीं खा। तन्नी सा खा ली? ना, पेट भरल बा। इका कहनी है रवा, जवान लड़का के केहू ऐसे मारे लका? दारू पी के आई तो मारना खाई, ढेर चोट लग गई लगा। ऐसा निर्दयी नियन मारे तो चोट ना लगी का? ऊपर से बुझा था कि लेट हो जाई। इले तोरा कभो कोनो चीज के होश ना रहला, अब कॉलेज जाता रे पता ना का करबे। अरे का ये बैंड बाजा वाला कपड़ा पहन ले बाड़े, कॉलेज पढ़े जाता रे किनो टंकी करे? ये फैशन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं कपड़ा चलेला, तू ना बुझबू। हे फैशन बा ता आगी लगे फैशन में। ए भाई ऊ देखा, ए गुलाबी काले है ना? ए जानेमन, तोहर नाम का बा? आरती। आरती? तो हमनी के आरती उतारे के मौका कब देबू? हमरा क्लास में जाए की देरी होता भैया। भैया? हम तोहर भैया ना, सैया बने सैया। अरे गांव जवार के लेकिन की है प्रॉब्लम होला, जेकरा के देखे ली ओकरे के भैया बोल देली। ए राहुल, काहे छड़ता रे जय दिन करा के? काहे तोहर बहन बा क्या? तू अपने क्लास में जा। का है मरनाथ, कॉलेज में आजकल तो बड़ा जलवा बा, दुदू को लेके घुमावत रे। अरे लड़की तो तोरा पीछे भी पड़ल बाड़ी सन, तू ही भाव ना देवेला? कहां यार, हम जोना के भाव देनी हमरे के भाव नहीं देत। ए ए तोरा ढेर चर्बी चढ़ गई बका, ते जानत नहीं के हमरा के? ना यार, हम तो नहीं जानत। नहीं जानत? इस शहर के सबसे बड़का बॉडी बिल्डर हमन, देखेंगे बाइसेप, देखेंगे ट्राइसेप। हाँ यार, लेकिन एक कपड़ा में तो बॉडी लगते नहीं है कुछ। ए, दिखाई का? हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देख हमार बॉडी। हाँ यार, का बॉडी बने ले बाड़े? बाप रे, का बॉडी। अच्छा ये बताओ कि ऊपरे बने ले बाड़े कि लेगो बने ले बाड़े? अरे मतलब थाईस हो इस? हाँ थाई भी। लेकिन यार जींस में तो लगते नहीं है, दिखाओ ना। देख ले हमार थाई। हाँ यार, कमाल थाईस बने ले बाड़े। बहुत बढ़िया बा, माने के पड़ी तोरा के। अरे
हमरा कारण तोरा के परेशानी उठावे के पड़ल, हमरा के माफ कर दो। तोहरा नजर में तो हमरा उवारा लेकिन में कोनो फर्क नहीं है ना, जहर लेके के चलू समझला। ए लखन बाबू, चुनाव नाव के चक्कर में मत फंसाओ लोग। हम प्रधानी और दानी लड़े वाला नहीं थी। देखो भैया, मना मत करा। हमने के तोसे बहुत उम्मीद बा। काहे से कि पिछला 3 बार से लगातार जोगेश्वर ही ग्राम प्रधान बनाता रहे और तोहरे सिवा ये गांव में केहू के हिम्मत नहीं के जो उनका मुकाबला कर सके। हाँ भैया, गाँव में तोहर बहुत इज्जत बा। अगर तू चुनाव लड़बा तो बराबरी के मुकाबला होई। अरे का बराबरी के मुकाबला होई यार, पूरा गाँव की आबादी बा 25,000, जोने में 15,000 लोग ओकर बिरादरी के बा। यही से तो निर्विरोध जीते लाऊ। ओकर मुकाबला कहिल एकदम असंभव काम बा। तू का बात करता रह भैया, प्रधानी ओकरा बाप के बपौती है का? अब पूरा गांव आन्हर नहीं खे। जोगेश्वर और रामेश्वर के दादागिरी से पूरा गांव परेशान। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहता। एक बार हाथ कर भैया, तोहरा के प्रधान बनाओ में हमने के कोनो कसर ना छोड़ो। हर हर जोगेश्वर, भैया जिंदाबाद, 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 हर जोगेश्वर। हर हर जोगेश्वर, राम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
साल के हसीन सपने 10 आदमी लेके चुनाव जीते का सपना देखता रहे। अरे देखे दे बेटा देखे दे, सपना देखे के पैसा थोड़े ना लगेला। चार दिन के लौंडा चार दिन चढ़ा का देले चल गए सरसों के पेड़ पर। हे बच्चुआ, जोगेश्वर सिंह का हरा वाला आसान बात नहीं के, कहे से कि जोगेश्वर सिंह एगो मर्द का नाम है। हे सुना, अब तक तोहर मुकाबला यांडू पांडू से भइल रहे, लेकिन ये चुनाव में तोहरा पता चल जाए कि तू मर्द बाड़ा कि ना मर्द। अरे कैसन मर्द है जे चार साल में एगो बच्चा ना पैदा कर पौलस, वो काहे का मर्द रहे। चुनाव हो जाए तब तो के बताएगी के मर्द है और के ना मर्द। समाज का और बिरादरी का दुर्गति होई। अरे ऐसा तब ना होई काका जब राम गांव के प्रधान बनी है, हमने उनके कोनो भी हाल में गांव के प्रधान ना बने दें। का भाई लोग, भाई लोग एक बात याद रखिया, अपने बिरादरी के एक को वोट हिलने से मन ना जाए के चाहिए। अरे तू चिंता जन करा भैया, ई गांव में तोहरा बिरादरी के 15,000 वोट बा और सबके सब वोट सिर्फ तोरा के पड़ी। क्या हो भैया लोग? हाँ हाँ सही बात। जोगेश्वर भैया जिंदाबाद। जोगेश्वर भैया 2,500 वोट के गिनती हो गई बा। अच्छा, और 2,000 से ज्यादा वोट तोहरा के मिलल बा। अरे सही कहा तानी, एकरा के तो बस 2-400 वोट मिलल बा। एकरा मतलब तू खुद समझ जा, तू पानी पियल चालू रखा काहे कि एकदम खकार के थूके के बा। का मतलब दिखा के ना बुलाए भैया? ई कुल बिरादरी वाला धोखा दे देले सन, ऐसन बुझाता। फालतू बात छोड़ी, बताओ कि हमने के वोट कितना मिलल बा। अरे भैया 6,000 वोट के गिनती हो गई बा, लेकिन चिंता करे के जरूरत नहीं खे। अरे हमनी 300 वोट से आगे बानी। अरे गधा, ई कुल छोड़ पहले ही बताओ पनिया पिए की ना। अरे संभाल के पिए कक्का, कहे की ज्यादा पानी पियला से मुतवासो ज्यादा लागेला। हम नहीं की देख सका। अरे ये कि तू केहू के थूक चाटा भैया, ये हम नहीं की देख सका। भैया जल्दी आवा, थूका काका चटी है, कहो काका चटबा ना। ना लखन, हम इतना नीच आदमी ना है कि अपन थूक दूसरे से चटवाए। वैसा हूँ इनकर बिरादरी इनके मुंह में इतना थूक ले बा कि 5 साल तक चाटत रही है। आवा लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
लिठा बहुत आवता केकर सपना देखत आ रहो। अरे हमार डार्लिंग, अरे हम जेकर सपना देखत रहनी वो तो साक्षात हमरा सामने खड़ा बा। झूठ मत बोला, तू ही तो हमरा के एक बजे की बात बोलने रहलो कि बाबूजी चले जाइए तो आ जाइए। हाँ हाँ बोलवले रहनी ना आवा। अरे हमार डार्लिंग ये तहार झोला तो एकदम खाली बा। अरे आवा ना, हम तहार झोला अबे भर देता नी। हाँ तू मांगत जा हम दे जाता नी, तू मांगत जा हम दे जाता नी, तू मांगत जा हम दे जाता नी। अरे बताओ ना का चाही। हाय वाला बिस्किट। बिस्किट हे भगवान, फिर से खाए वाला सामान मांगा दिया। अच्छा बिस्किट, अच्छा ले ला ले ला, बिस्कुट रख ला, यूं में से रख ला, एको और रख ला। हाय साबुन, अरे साबुन ले ला। हाय साबुन, यूं साबुन ले ला। तेल तेल तेल, अरे तेलो रख ला। तू मांगत जा हम दे जाता नी, लाल 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 मुझे रख ला। तू मांगत जा हम दे जाता नहीं, तू मांगत जा हम दे जाता नहीं, तू मांगत जा हम दे जाता नहीं, तू मांगत जा हम दे जाता नहीं। हाय हाय हमार डार्लिंग, ये तहार चोटिया कहाँ गई हो? अरे पहले तो बाल एकदम मखमल नियन मुलायम मुलायम रहे, और आज कैसे भूसा खिला नियन खुदरल खुदरल हो गई हो। अरे हम हाँ अपन कंजूसवा बाप से चुरा के तोरा के मस्त खुशबूदार चमेली के तेल देले रहनी, वो तेलवा तू ना लगावे लू का हो। और आज तू इतना खस्सी पकड़ा नियन पसाद का है बाड़ू, कहीं तू हमरा बाप से गले मिल के तो ना एलू है? वो ससुरा तो जब से पैदा भइल तब से आज ले नहीं बेना कैलक कार रे। बाबूजी मान मान तुझा किरण नियन आ खस्सी बकरा नियन बसात तो हां बसात रे। अरे बाबा अरे जब से हम पैदा भइल बानी नहीं ले नहीं के बाबा बाबा तू ना हैं तू वो लड़की संगे रह के बिगड़ गइल बाड़े। अब जब तक तुहार ब्याह न कर दे तू ना सुधरवे बेटा। सही बाबूजी, सही कहता रहा। सही कहता नहीं। चल बाबूजी, ब्याह खातिर था हमरो जवानी फड़फड़ाते बा। का कहो तोरा रे, जल्दी करन बाबूजी, फटाफट चंपाकली के बुला के चट मंगनी और पट ब्याह कर दे बेटा। बेटा हां बाबूजी, तुहार ब्याह ओहे होई बेटा जहां हम चाहे। हां हां बाबूजी अदा जल्दी डाला, कितना टाइम लगी बे? बस भैया हो गई। अरे दिन भर में तू लोगों ने क्या काम करवा यार। अरे भैया तू लोग क्या करता रहो, इंजन में माटी के तेल डालता रहो? हाँ डाला था नहीं तब। वाह भैया वाह, हमनी के घर में डिबरी में डाले खाते तेल नहीं खे और तू यहाँ इंजन में माटी के तेल डालता रहो। देख लो हम राम भैया के जाके बताई। अच्छा धमकी देता रे तो राम भैया का उखाड़ लिया रे। राम भैया का धमकी का देता है। अरे जब हम बताएं तब पता चली। तो जाके बता दे राम भैया। हाँ बताई बता। देखा तो राम भैया काउ को। राम भैया, भैया। कहाँ चिल्लाता रहा? कहाँ भाई? भैया उरा मेसरा। इंजन में मिट्टी के तेल डाला तो रहा हम पूछ नहीं होता अब रहेगा। बहुत मरला सा भैया, बहुत मरला सा। तोरा का चाहिए? माटी के तेल। माटी के तेल नहीं खे, चल। हैं माटी के तेल। हैं तोरा का चाहिए? माटी के तेल। माटी के तेल नहीं खे। सरकारी कोटा के नहीं खे? तोरा कोटा वाला तबानो बा, लेकिन 30 रुपये लीटर बा। ठीक बा। और 2 रुपये वाला चावल बाकी ना? 2 रुपये किलो वाला चावल नहीं खे। हमरा कोटा के 18 रुपये किलो वाला बा। चाही का? हाँ निकाल दा एक बोरा। अरे नेटा एक बोरा चावल ले आ रे बेटा। हाँ लावा ताली। लावा ता। इले अरे ई सीटी काहे बजावता? मैं हूँ फूड इंस्पेक्टर, लखनऊ से आया हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। पकड़ लो इसे। ए, ए, जुर्म में? सरकारी सामान को ब्लैक में बेचने के जुर्म में और सबूत के तौर पर ये 2 रुपए किलो वाला सरकारी चावल ले जाओ इसे। बाहर निकालो इसे। रुका रुका रुका। अच्छा ता ये सब तो हार करतूत बना काहे की तो के पहले समझेले रहनी ना, लेकिन तोरे समझ में ता आइल ना, मजबूर होके हमके ई कदम उठावे के पड़ल। हम तोरा के देख ले। चल चल जल्दी चल।
अंदर चल दो इसे अंदर। जोगेश्वर भैया, जोगेश्वर भैया, हमरा का मालूम रहे कि तू हमार जमानत जरूर करीबा। हमरा संगे धोखा भइल बा भैया, उस ससुरा रमुआ हमरा के धोखा से फसौले बा। जब से वो हमरा के प्रधानी के चुनाव में हरे ले बा, हमरा नींद नहीं खे आवत। जब ले दोनों भाई का हाइट खड़ी ना निकाल दे, हमरा चैन ना मिली। अब तो बस हमारा जिंदगी के खाली एक को मकसद बा, बस और बस वो दोनों भाई के बर्बादी। ए, का कर धरुआवा ना? सुना? अरे आवा ना, आवा। सुझिए सीधा जजे बोला बिलो से जरिया थर थर कब मोर सागरी सरीरिया। सुझिए सीधा जजे बोला बिलो से जरिया थर थर कब मोर सागरी सरीरिया। कैसे बात लाई बाटे लाज वाली बत्तिया, कैसे बात लाई बाटे लाज वाली बत्तिया। सुनाए राजा, सुनाए राजा, छुए लग इंतजार देखो हमनी के खटिया। चलो ए रानी कर इंतजार देखो हमनी के खटिया।
हमरा संगे जबरदस्ती काहे करत आ रहा हम कोनो लड़की उड़की देखे ना जाए अगर हम बिया करब तो सिर्फ और सिर्फ चंपाकली से ना तो ना करब अरे भगचुरा चाहे एक बार लड़की के देख लेबे ना तो तोर दिमाग चकचका जाए अरे चंपाकली के भुला जाइबे और एक बात हमार कार खोल के सुन ले रे अरे ये रिश्ता हम अपना हाथ ना जाए दे अरे पैसा वाला पार्टी बो अरे जल्दी चल अरे ऐसे मुंह लटका के मत बैठ रे एक बार लड़की के देख लेबे ना तोर मन गदगदा जाए रहुआ देरी मत करी अपन लड़की के बोला हाँ, रानी के माँ बेटी के बुलावा रानी बिटिया आवा है ने अरे ओने ना इन्हें देखा अरे इनसे कहो गई अरे कुछ ना ये एकर बचपन के बीमारी बा जब ये ढेर खुश होला ना तो ऐसे ऐसे झटका मारेला अरे तो इनका इलाज का नहीं करा बता नहीं एकर एक एको इलाज बा का वो एनाकोंडा कहाँ गई रुका चुप हो जा रानी तू काहे रो बतारू रोई ना तो का करी हमके जे भी देखे आवेला वो हमके ठुकरा के चल जाला ई कोनो पहली बार थोड़ी भाईला हमके तो 200 लोग अब तक ठुकरा के चल गईल बा बहिन हम तो अल हाथ जोड़ता नहीं वहां पड़ता नहीं बहिन एक बार तू अपना भाई से हमार ब्याह करा दा हम उनकर इतना सेवा करब जितना सावित्री सत्यवान के बिना कैले होई बहिन जवनपुर के हो जवनपुर के निकलागे मुरैया जवनपुर के निकलागे मुरैया अरे तू लोग फांसी काहे लगावा तारा लोग ते हमार बात कान खोल के सुन लेने था अगर ते रानी संगे बियाह ना करवे ना तो हमन तीनों जन फांसी पर लटक के अपन जान दे देब जा तो तू हमार बात सुन ला कि हम उ छोटा हाथी से बियाह ना करब तू खाली दहेज पावे खातिर हमरा के फसावा तारा लेकिन तू काहे फांसी लगावा तारू बबुनी काहे कि वो हमरा पसंद बाड़ी और तू तो उनके सिर्फ तन देख ला भैया हम उनकर मन देखनी है तोहरा के साथ जन्म में भी ऐसा मेहरारू ना मिली ना 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 हम पहले ही कह देले बानी हम छोटा हाथी से बियाह ना करब अरे करबे की ना 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 बोल हां की ना ना ता ना हां की ना हां बहनी हां हम बियाह करब सोचा कि हम तोहरा संगे सुहागरात मनावे खातिर आइल बानी बल्कि हम तोहरा के ई बतावे खातिर आइल बानी कि ब्याह हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा हमनी के ब्याह जरूर भइल बा लेकिन हम तोहरा संगे कौनो रिश्ता ना रखब रउवा हमरा के अपना लेनी ई है हमरा खातिर बहुत बर्बाद बाजी अब रउवा हमरा के जैसे राखब हम वैसे रहब हम रउवा
हर आज्ञा के पालन करब, यह हमार फर्ज बा। ठीक बा ठीक बा, तू पलंग पर सुता, हम नीचे सुता तानी। ना जी, हम अकेले ई पलंग पर रउआ सामने कैसे सूत सकता नी। रउआ रउआ पलंग पर सूती, हम भुइया सूत जाता नी। इला हमार 10 रुपया, ई हमार 50 रुपया, इला हमार 100 रुपया। ओपन करा। 3 बादशाह। अरे यार कलर आ गई। आज तो मजा आ गई। और यार हमारे जाए के टाइम हो गई बा, हमारा बहुत जरूरी काम बा, हम चलत नहीं। ई रोज ही है टाइम पे कहाँ जाला यार, पता ना कहाँ पता। चला आज पता लगा के रहे। आरती ई का तू रोज देरी से आवेला, हम कितना देर से खड़ा होके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे डार्लिंग, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का भी मजा लीजिए। लखन कब तक, आखिर कब तक हमनी के छुप छुप के मिलल जाई? अगर हमनी के घर वाला केहू देख ली ना तो बहुत पिटाई लागल जाई। अरे आरती तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी हमनी के ब्याह के बाद अपना घरे करब। सच सच में। का यार तू लोग हिले। चलो चलो चलो।
बोला रहा हूँ इले की तोहरे बिटिया है नू? हाँ हमरे लेकी है। और इलेका राम के छोट भाई है नू? हाँ वह ससुरा। बोला रहा हूँ लेकी तो गांव में तोहर इज्जत कचरा में मिला देले सो। बोला राम कहाँ जाता रहा? घरे जाता रही। बोला राम हाँ? अब तो तुम्हारी है मन करत होई कि अपने बिटिया का हाथ गोड़ तोड़ दी। सही कहता नहीं भैया, अब हम घरे जाए और ओकर हाथ गोड़ तोड़ दे, पक्का कहता नहीं। और ओकर कॉलेज भी छोड़वा दी। हाँ यूं सही कहता नहीं, अब ओकर कॉलेज गई बंद करा दे। और कौनो अच्छा लड़का देखकर ओकर ब्याह करवा दी। यो ठीक हुआ, ये काम तो हम बहुत जल्दी कराई। बोला राम हाँ? गधा रहले गधा रहबे। काहू गइल भैया, तोरा बिटिया का कौन मिठाई पसंद बा? लड्डू बेटा। आरती आरती ई देख, हम तोरा खातिर लड्डू ले आयल बानी, तोरा के पसंद बाना। एने आवा ला लड्डू खा। खा लो। अच्छा बेटी साफ साफ बतावा, कब से चला था ये लपर जपर? केकर लपर जपर चला था जी? अरे राम के भाई लखन संगे तो हार बेटी के लपर जपर चला था। रवा सही कहा था नी जी? कारे बनच्चन सारा गांव में हमनी के नाक कटा दही लेना। अरे रहेदा रहेदा, बड़ा आईली नाक कटावे वाली। ला तहू लड्डू खा। रखा पर लड्डू की तोहरा के खुशी सु जाता, हमार बदन कोयला नियर जरत था। अरे तू ऐसे ही कोयला नियर जरत रहा, और वही कोयला में हम अपन चक्कर के ऐसन खिचड़ी पकाई कि वो रमुआ खाई ना तो चक्कर खा के धम से गिर जाई। भौजी भौजी हमरा एगो बहुत जरूरी बात करे के बा। हाँ बताई ना, क्या बात है भौजी? उका है ना, उका है ना हम ना। अरे का कहाना कहाना लगवले बानी, सोझे बताई का बात है भौजी? उका है ना हम एगो लड़की से प्यार करे नी। तय में कौन नया बात बा? ई उम्र में लड़का कुल या तो मार झगड़ा करेले सन या तो प्यार करेले। अच्छा पहले ई बताई उ लड़की के नाम का है? आरती। के आरती? उ भोला राम की बेटी भौजी। भोला राम की बेटी? देवर जी ई रिश्ता नहीं खे हो सकत। लेकिन कहे भौजी? रउआ जानत आनी ना उ लड़की के खानदान कैसन बा, ओकर माई बाबूजी घर वाला सब कैसन बा लोग, और ओकनी में और हमनी में कितना दुश्मनी बा। लेकिन भौजी। लखन भैया घबरा मत, हम तुहार सब बात सुन ले बानी। लेकिन तुहार भौजी सही कहा तारी, पर सुधा एमे वो लड़की के का कसूर बा जो ना की गदा अपना प्रेम जाल में फंसे ले बा? अरे हम मानत आनी कि ओकर माई बाबू लोग ठीक नहीं थे, पर का आज तक आरती के बारे में कुछ गलत सुन ले बाड़ो ना? अरे तो हमनी के घर में आरती के लिए आवेगा, ओकर हम माई बाबू के थोड़े लिए आवेगा। भैया एकर मतलब तू आरती के बाबूजी से बात करे जी बा? अरे तोहरा खुशी खातिर तो हम कुछ कर सकता है। भैया प्रणाम करता। अरे खुश रह खुश रह प्रधान बाबू। अरे तू हमरा ही कुटिया में आईला, हमार तो भागे खुल गईल। अरे ओ मेरी दुकान में रहला तो इनके जेल करा देला, अब के कौन तमाशा करे आइल बाड़ा? अरे चुप रहा, मेहमान आइल बाड़े। अरे कुछ खाए पिए के लड़बू के पकड़ पकड़ करबू, चलो जा। अरे प्रधान बाबू बैठा बैठा। अरे बैठा भैया बैठा। बोला का सेवा करी? देखो अब हमके घुमा फिरा के बात ना करे वाला, हम अपन छोट भाई लखन और तुहार बेटी आरती के रिश्ता के बात करे आयल बनी। हमरा बात के बुरा जन मानिया बेटा। हाँ पर हकीकत बात ई बा कि जौना घर के जमीन जायदाद धन दौलत में बड़ा भाई सांप नियन कुंडली मार के बैठल बा, उ घर में हम अपन बेटी के कैसे दे सकता नहीं। हम तुहार बात बुझ गए लही, लेकिन साफ साफ कहा कहल का चाहता रहा। ता साफ साफ बात ई बा, जब तक दोनों भाई के हिस्सा बंटवारा ना हो जाए तब तक हम अपन बेटी के ना दे। लेकिन हम ही हिस्सा बंटवारा के सख्त खिलाफ बानी। तय चुप रहा, दुनियादारी के बाद तय का जान पे। दुनियादारी के बाद नहीं की जानत, लेकिन ये बात जरूर जानी ले
कि अगर दो भाई के बीच बंटवारा करा के हम वो घर में जाइब तो का हमरा के वो मान सम्मान और प्यार दुलार मिली जेकर हम हकदार बानी। और बाबूजी साफ साफ सुन ली, अगर हमार ब्याह बंटवारा के शर्त पे हुई तो हम ही ब्याह ना करब। धनेश, ए ब्याह के लेके जोन हमर मन में शंका रहे एकदम खत्म हो गई। देखा लो, हमरा से हिस्सा बंटवारा मांगे के हक दुनिया में सिर्फ हमार भाई लखन के बा। और रहल बात ब्याह के, तमार भाई जवान बा, बालिक बा, तुहार बेटी भी बालिक बा, और कहीं एकनी के दोनों भाग के ब्याह कर लेने सन तो हम तो एकनी के रोके वाला नहीं। आगे जैसन तुहार मर्जी, चला तानी जयराम जी की। अरे जा बड़ाइल बड़ा हमार बेटी के भगवैया। तोहरा बेटी के ये चाल चलन रही ना तो एक दिन यो दिन देखे के पड़ जाई। सही कहा तानी जी। हाँ। और तू कह रहे बीच में लपर लपर बोला तारे। अरे को हमार बात ध्यान से सुन ले। अरे वो घर में ब्याह करके जेबे ना तो जाना तारे। अरे जौना घर में जेठानी के राज चले ला वो घर में देवरानी नौकरानी बन के रह ले, बुझ गए ले। अब रहुआ का टुकुर टुकुर देखा तानी जी, आगे का करे के बाप पहले वो सोची। अरे हम सोच ले रहनी के कोनो चक्कर चलाई, हम खुद चक्कर में पड़ गए वाली। रुका ना, कहाँ जाता रू? का करे तानी जी, छोड़ी ना। का छोड़ी छोड़ी, ब्याह के पहले छोड़ी, ब्याह के बादो छोड़ी, तो पकड़ी कब? अरे राजा जी ब्याहन हो गई, दीदी का सोची है, अब हमरा के जाए दी, हमरा के जाए दी ना। दीदी, दीना हम सब्जी काट देता नहीं। अरे तू यहाँ कहाँ आ गई, तू जा। दीना दीदी। अरे द दीदी, रउआ हमरा से नाराज बानी का ना हो तो हमरा के काम काहे ना करे देता नी। अरे पगली, हमारे को बात सुना, जाना तारू ये जौन मरद लोग होले ना ये बियाह के बाद बस दो चार महीना तक मेहरारून के आगे पीछे नाचे ले, ओकरा बाद पूरा जिंदगी मेहरारून के मरद के आगे पीछे नाचे के पड़ेला, बुझाइल। जाना तारू, जब हम बियाह करके घर में आयल रहनी तो लखन के भैया के ऊपर काम के इतना जिम्मेदारी रहे कि हमरा के कहीं घुमावे फिरावे खातिर उनका लगे टाइम ही ना रहे। लेकिन हम चाहत आनी कि तोहरा के नया शादी के सब सुख मिले, यही से जल्दी जल्दी तू और देवर जी प्रोग्राम बनाव और जाके हनीमून मना के आवा लो। हनीमून वनीमून सब शहरी चोचला है दीदी। लखन, रा लखन। हाँ भैया। अरे यार, हमारे दिमाग में एगो आइडिया आयला। कैसा आइडिया? तू कहीं हनीमून मनावे ना जीबा? कब तो चल जाई भैया। अरे तो जो ना तैयारी कर। ठीक बा भैया। ए लखन बाबू। अरे ये का करता नी, छोड़ी ना तो केहू देख ली। अरे तो देख ली तो देख ली, अब केहू के डर बा का? अरे रउआ समय देखे नी ना मौका, जब मर्जी शुरू हो जाता नी, छोड़ी ना छोड़ी। अरे वो सब छोड़ा, जाना तरू भैया आज हमरा के कहना हनीमून पे जाए के बा। हनीमून पर? हाँ। हनीमून पर के जाई? आई हो दादा, हनीमून पे हम जाई, तू जाइबू और का गांव वाला जाइए? ना ना, दीदी जाइए तबे हम जाई। लेकिन तुहार दीदी कहिए कि भैया जाइए तब जाई, तब का करबू? अरे यही तो हम चाहता नहीं दीदी, यही बहाने बाहर भी घूम ली है। जा कह भौजी से। रोवा कही ना जाई ना, रोवा जाई ना। भैया वो आरती कहता रही कि जब तू लो चलबा तबे जाइए। अरे यार, हमनी के कहाँ कबाब में हड्डी बने जाएंगे, तोहार और बहू के घूमे फिरे के दिन बा, तू लोग जा। ना भैया, जब दीदी जाइए तबे हम जाइब। हाँ भैया चला ना। अरे यार, हमके पंचायत के इतना काम बा। रउआ लग गए हमेशा कामे रहेला, हमरा खातिर रउआ लग गए कबो टाइम ना रहेला। अरे घुसियात का है बाड़ू, सुनो ना। अच्छा ठीक बा, हमनी होके चल जाइए। देखलू भौजी के भड़कते भैया मान गई ले। अरे यार, तो हम इनसे कबो जीतल बानी की जीतब, आज फिर हार गए नी। अब तो हंसता हंस दो ना भौजी, हंसबू की प्लान कैंसिल करी।
जब टूटेला दुगो दिल जुटेला खेला के होला शुरुआत हो जब बनी मन सुन जब होखी बरसात गोरी रोज हो वेले दुलार हो हौजी बाड़ू सीता के समान लक्ष्मण के जैसे बाड़ा देवरो हमार हो बसे देव रानी में प्राण हो ऐसे बनल रहे हमनी के जो बाबूजी प्रणाम मैं प्रणाम रहे दे घूमे फिरे गईले तो हमने के ना बताई सही बात बा ओ जल्दी जल्दी में चल गई नी जा बतावे के टाइम ही ना मिलल वाह रे अपना माई बाप के बतावे के टाइम ना मिलल और पहले ये बतावा कि तुहार दिमाग सनक गइल बा का तू और दमान अकेले कहीं नहीं गईला लोग अरे ओ बांज बाजिन के साथे ले जाए के का जरूरत रहे ये का कह दारू माई हम तोरा के सिखौले रहनी ना कि अपन जेठानी से कोनो बात में समझौता ना करिए ओ कही सुन तते कहे का है रे वो कही है ने आवा तो ते कही है कि ना आए हर बात में अपना जेठानी के उल्टा जवाब देबे ना तो दोनों भाई में झगड़ा हुई और दोनों में झगड़ा हुई तो लखन थक हार के अपन घर अलग बसा ली है और जब अपन अलग घर बसा ली है तो तोरा पता बना कि तोरा का करे के बा अब इतना बता देली तो उहो बता दे हम तोरा के डिब्बा में छेना डाल के भेजब जब हम तोरा के छेना डाल के भेजब तो तू ओखरा में चांदी के कटोरी डाल के भेजिया और जब हम तोरा के चांदी के कटोरी में दाल डाल के भेजब तो तू में सोना के ना सिक्का डाल के भेजिया बस देती कर देले माई जौन बातें हमरा के सिखावता रे अगर उहे बात दुनिया के हर माई अपना बेटी के सिखावत रही और वो बेटी मान ले रही तो दुनिया कब के नरक बन गल रही अब तू लोग कान खोल के सुन ल तू लोग हमार ब्याह कर देला विदाई कर देला अब ये हमार घर है अब ये घर के सुख दुख हमार सुख दुख है ये घर के हर दुश्मन हमार दुश्मन है अब तू लोग आज के बाद ये घर में कदम मत रखिए वो का है ना नैहर के लोगन के बेटी की ससुराल ज्यादा आयल गई शोभा ना दिला अरे हो गई तसल्ली तोहरे बेटी तोहरे मुंह में जम के जूता मार ले बिया देखा अपन मुंह एकदम जूता जैसे हो गई बा घर चला 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 आज अमूरे रानी रानी आज अमूरे रानी आज अमूरे रानी आओ तानी मोर राजा जी आओ तानी आ जाना
आ गई नी मोर राजा जी। हमरा हाथ के धरल ना रानी, रानी 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 हमरा के अपन पहिया मर ले लेना रानी रानी आजा रानी। ए छोटा हाथी का जी, रात में हम तोरा संग कुछ कहनी है का? हाँ सब कुछ तो कह देनी। अरे तोरा का जरूरत रहे हमरा लगे आवे के? रहुए तो कहत रानी, अब आजा मोर रानी, आजा मोर रानी, तो हम आ गए नहीं रहुआ लगे। ए भगवान, ये हम का कर देनी? हम तो लूट गए नी, बर्बाद हो गए नी, हम तो चंपा के अपन मुंह दिखावे लायक ना रह गई नी। का हो गई लिंगत? ये देखी ना का हो गई आरती के? लखन, हाँ भैया, ये लखन। आरती? आरती? ए आरती। अरे कहाँ आरती आरती करता है? जो जल्दी डॉक्टर को फोन कर। हाँ भैया, करता नहीं। लखन भैया, खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। अच्छा? अरे सुधा, तू बैठल का मारू? अरे सबकर मुंह बिठा कर आवा, हम बड़का पापा बनने वाला बानी और तू बड़की भाई। हाँ। जल्दी जा। जी, सुधा। अरे डॉक्टर देखिए, सुधा। अरे इन्हें भी वही बीमारी है। कैसा बीमारी? राम भैया आप भी बाप बनने वाले हैं। अरे वाह भैया, आज तो कमाल हो गई, हमने की दूध को खुशखबरी मिला। हे भगवान, तो से हाथ जोड़ के विनती बा, हमरा खुशी में कोनो ग्रहण मत लगैया। अजी सुना तानी? अरे का हो गई, काहे चिल्ला तरू? हमे को खुशखबरी ले आल बानी, हमार आरती माई बने वाली बिया। सही है? हाँ, हम नानी बना और रहुआ नाना। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी के खबर बा भाई। लेकिन एगो बुरा खबर भी बा। हैं? कौन बुरा खबर? अरे वो जेठनिया भी माई बने वाली बिया। अरे कौन जेठनिया? अरे वही आरतिया के जेठनिया। अरे ओहो माई बने वाली बिया। ये तो सच में बहुत बुरी खबर बा। इस ससुराल राम तो पहले ही बहुत अकड़त रहे, और ऊपर से कोनो गलती से अगर बाप बन गए तब तो ससुराल उड़ा आग मूती। सही कहा तारा भैया। भौजी तू एगो काम करा, कोनो जतन करके कैसे भी अपना बेटी के यहां अपना घर में ले आवा, ओकर आगे के सारा माजरा हम बताए कि का होई और कैसे होई। अरे घर में केहू बा के ना? बाबूजी प्रणाम, प्रणाम माताजी। सुननी हा, हमार बेटी माई बने वाली भी है। हमरा घर के नियम हा कि बेटी के पहला लड़का नैहर में होला, यही खातिर आरती के ले जाए अलबानी जा। अच्छा ठीक बा पहले बैठी लोग। अरे सुधा, वो आरती के माई बाबूजी लोग आयल बा, ओ लोग के कहना मा कि पहला लड़का नैहर में होके के चाहे। दीदी हमार गेल जरूरी बा का? ना हो, जरूरी तो नहीं खे, लेकिन जौना में तोहार खुशी बा ओही में हमनियों के खुशी बा। तो रउए बता दी ना कि हमार खुशी कहाँ रहे में बा? तोहार खुशी हमरा लगे रहे में बा। तो दीदी भैया के बता दी ना? सुन लेनी रउआ, ई नहीं खी जाए के चाहे। अच्छा ठीक बा। इतना देर हो गई बाबूजी उ जाए के नहीं खी कहत? अच्छा तो हमनी के बारे बार भेजतिया मिले खातिर भी ना आइल? अरे इतना बड़ा महारानी हो गई बिया का वो? का रे तोरा लगे इतना टाइम नहीं खे? माई बाबूजी घर आइल बा तो तनी मिल ली बतिया ली। ना माई, हम खाना बनावत रहनी है। चल जाओ अपना कपड़ा लता उठाओ और चल घरे। माई हम ना जाए। काहे ना जाइबे? हम तोरा के लेले बिना ना जाइब। अरे नहीं खी जाए कह तो काहे जीत करत है? रह दी ना, हमनी के बानी जाना इनकर देखभाल करे खातिर। अरे तू लोग का देखभाल करबा? ए घर में केहू के बाल बच्चे पैदा करे के तजुर्बा बा जे देखभाल करबा? अरे जौना पेड़ में फल फूल ना लगल हो वो का फल दी और दूसर के फल की का कदर करी? हाँ। यही से हम तोरा संगे नहीं खेजात माई। वो कहा कि जब देखा तब तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा के बात करे लू, पहले अपना पड़ोस में लड़त रह लू और अब तो यहाँ आके झगड़ा करता रू। और हाँ माई, हमार बात साफ साफ सुन लो, यहाँ दीदी में माई बने वाली बड़ी और हम उनकी ये हालत में क्ला छोड़ के नहीं खींचा सकत। अरे उमर हो उसका माई बनी, ओकर तो नसीबे नहीं खे माई बने के। देखा बहुत बोला तारू तू,
अपन जवान संभाल के बात कर। अरे का जवान संभाल के बात करी? अरे हम तो छाते टोक के कहा था नहीं जो कभी माई ना बन सकी। अरे बस करवाई, अब तू जा यहाँ से। हाँ हाँ जाता नहीं, फिर जाते जाते हमरो एको बात ध्यान से सुन ले। अरे तोर मनोज जेठानी जे तोरा के हमारे से अलग करती है ना, वो कबू सुखी ना रही, वो कबू माई ना बनी। अरे ओकर तो लीका ओकर कोखे में मर जाए। चली जी चला। अरे चली जी चली। सुधा ए जी, हम माई बने के चाहता नहीं जी, हम माई बने के चाहता नहीं, हम माई बनब नु। हाँ। बनब नु हम माई। तू माई बनबो, तू इतना पढ़ल लिखल हो के ई सब बात सोचा तर। हाँ ए सुधा, तू माई बनबो, केहू भी अनाप सनाप बोल दी तो का ओकर बात सच हो जाए। तू माई बनबो, तू जरूर माई बनबो, तो के माई बने से दुनिया के कोनो ताकत नहीं के रोक सकल। अकिराज तो हमरा पकड़ में आई गेलू मोरे चंपकली। तू जा गईला? हाय आज ना हम तोह के छोड़ब दम दम दम, दिल में बात तूफान भरल दम दम दम। दूर रह हमरा से, दूर रह, हमें लगे जनावा। आज जनी रोका हम के चंपकली, और कितना चक्कर लगौनी हम तोहरा गली। हम सब जानत नहीं, तू 10 चक्कर लगौले बड़ा हमरा घर के। अरे तोरा किसे मालूम रे चंपा कली? हम अपना घर की खिड़की से तोरा के लुका लुका के देखत रहनी। और तो तोरा एक दिन हो गई ना कि हम तोरा से कितना प्यार करेनी। अरे हाँ हमार नेटा, हम जानत नहीं कि तू हमरा से ढेर सारा प्यार करेला। तो फिर देरी काहे करत तारू, आ जा आ जा, हमरा छाती से सट जाना रानी। ना पहले वो मोटकी के तलाक दा। अरे हाँ हम दे दे वो मोटली के तलाक, अब तो गले लग जा। दिखाओ दिखाओ दोर मुटकी आ गए। ते यहाँ का करे आ गई ले रे ताड़का? हम तो राउ चट्टी बनियान धोवे खातिर आयल बानी जी। अब से तोरा धोवे के कोनो जरूरत नहीं है, हमार चट्टी बनियान अब से चंपा कली धोई है हमार चट्टी बनियान। तो इलो धोवा लो इला ठीक, हम ना धोब तोरा चट्टी बनियान। और तोर इतना हिम्मत, रुक बता बता नहीं। अरे नाराज मत हो खा बहिन, हम तो तोरा से ई सीखे खातिर आईनी हा कि ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र डलले बाड़ू तू हमरा पति पर जे हमरा के छोड़ के तोहरे पीछे पड़ल रहे ले। हमके बता देना बहिन, हमके बता दे। अरे दिखा दे बहिन, अरे कहाँ भागे तारे, अरे दिखा देना बहिन। ए जी अब हमार मन करा था रोवा संगे नहाए के। कैसे पेड़ पर लटकत बानी जी बानर जैसन? अच्छा हम यहाँ बानर जैसे लटकल बानी? ढेर हाथी सुजाता तोहरा के। अरे तोहरा के अपन घर से न भगौनी तो हमार नाम नेटा ना। ओ हाय। अरे दुल्हन ये कहा करत रह तू, ऐसे ने हालत में क्यों इतना भारी सामान उठावला का? अरे काकी टमाटर ही तो है। अरे तो का भेल काकी? लगा था कि बच्चा होकर समय आ गया। जा जल्दी अस्पताल लेके जा। लखन हाँ भैया जल्दी से गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल चले के बाद। राम भैया का भेल डॉक्टर साहिबा? देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? आरती पहले से ही लो बीपी की मरीज है और इस प्रेगनेंसी के कारण वो और भी कमजोर हो गई है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि मैं बच्चे को बचाऊं या उसकी माँ को। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आप कैसे भी करके दोनों को बचाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप माँ बच्चा दोनों को बचा लीजिए। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी आगे भगवान की मर्जी। मैंने कुछ जरूरी दवाइयाँ लिख दी हैं, इसे जल्दी से ले आइए। भैया हम ले क्या होता नहीं। मैडम जी सुधा के पास जल्दी चलिए प्लीज। हाँ चलो। राम भैया मुबारक हो, आप बाप बन गए। का हम बाप बन गए? नहीं हम अभागा आदमी बाप बन गए डॉक्टर साहब, हम क्या यकीन नहीं क्यों कि हम बाप बन गए। नहीं हाँ हाँ आप एक सुंदर और स्वस्थ बेटे के बाप बन गए हैं और सुधा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब
हम सुधा से मिल सका नहीं। बिल्कुल। सुधा। हाँ, हम सुधा हैं। अब सब केहू हम के ही है नाम लेके बुलाई हैं। बीच में हमरा के बहुत नाम मिलल रहे। अभागिन, मनहूस, बांझ और न जाने कौन कौन नाम से लोग बुलावत रहे, लेकिन अब इस सब नाम से केहू ना बुलाई। काहे कि अब हम माई बन गई नी। रउआ खुश तो बानी ना? सुधा, हम बहुत खुश बानी। बस आरती के। मैडम जी। हाँ? जल्दी चलिए। क्या हुआ? वो आरती। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके मैम। राम भैया, आप यहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। ये सब का होता? रउआ हमसे कुछ छुपावा था नी का? ना सुधा, सब ठीक बा, तू चिंता मत कर। का भाई डॉक्टर साहब? आरती बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आरती बिल्कुल ठीक है। फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल माने? देखिए, वो पहले से ही कमजोर है और उसका बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ है, और इस वक्त वो कोई भी छोटा सा भी सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मतलब उसके बच्चे के मरने की खबर? नहीं नहीं, उसे अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन अगर होश में आने के बाद उसे पता चला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी जान भी जा सकती है। उसकी जान बचाने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जल्दी बताइए। देखिए, उसके होश में आने के पहले यदि उसके पास आज ही का पैदा हुआ बच्चा रख दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। मैं समझ गया डॉक्टर साहब। क्या मैं बहू को देख सकता हूँ? डॉक्टर साहब, इसको होश आ रहा है। हाँ, इन्हें होश आ रहा है, जाइए आप, जल्दी जाइए। हाँ। काजी, का भइल आरती के? कैसन बाड़ी हूँ? ठीक है बाड़ी। ठीक है बाड़ी मतलब? खतरा से बाहर बाड़ी। ओके, अभी बच्चा भइल कि ना? लेकिन बच्चा मरल पैदा भइल। हे भगवान, हे भगवान, रउआ का कहता नी? जेकर शुभ कदम घर में पड़ते ही बरसों बाद हम माई बन गई नी, ऐसा लक्ष्मी जैसन बहन के गोद सुना हो गए। हम ओके देखा चाहता नी, हमरा बुझाता कि ओकर तबियत बहुत खराब हुई। बहुत ज्यादा खराब। डॉक्टर साहिबा तो यहाँ तक कह लिया कि छोटा सा भी सदमा बर्दाश्त करे के लायक नहीं के, अभी तो बेहोश पड़ी। लेकिन जैसे उनके पता चली कि उनकर बच्चा मर गया बा, तो उनका जान भी जा सकेला। हमरा समझ में नहीं क्या हुई कि हम का करें। बस आखिर उम्मीद लेके तुहरा पास आयल बानी, पर समझ में नहीं क्या हुआ कि हम तो से कैसे कहें। ये मैं सोचे कि कौन बात है जी, अब आरती के होश में अगला से पहले हमनी के बच्चा ओकरा गोद में रख दी, और वो होश में आई तो के कह दी कि ओकरे बच्चा बा। हमके तो से ही उम्मीद रहे सुधा। सुनी जी, जब आरती होश में आई और हमरा से पूछी कि दीदी तुहार बच्चा कहाँ बा, तब हम का जवाब देब? जवाब का देवे के बा? कह देवे के
कि हमनी की बच्चा मर गई। इरोवा का कहता नहीं। अरे इसाज थोड़े बा, लेकिन झूठ तो बोले के पड़ी ना। ठीक बा, कहते लेकिन कितना दिन तक? जब तक आरती के तबीयत ठीक नहीं हो जा, मैं एक दिन भी लग सकता, एक साल भी लग सकता, 10 साल भी लग सकता, लेकिन अभी देर होता सुधा, हमनी के पास सोचे के टाइम नहीं के। ठीक बा, ले जाइए के, हमके कोनो ऐतराज नहीं के, अभी तो हम सबके बोल दे कि हमार बच्चा मरल पैदा भइल बा, लेकिन कुछ वक्त गुजरला के बाद जब हम सबसे कहें कि हमार बच्चा मरल ना रहे, वो जिंदा, ये हमार बच्चा, तका लोग हमार विश्वास करी। सुधा, आरती जिंदगी और मौत के दरवाजा पे खड़ा पड़ी और तू आरती के फिकर छोड़ के दुनिया की फिकर करा तारो। तो काहे ना करी, राउर मनी नहीं की जानत कि दुनिया वाला हमरा पर कैसन कैसन लांछन लगवले बा, जहां जाए बस एक के को बात सुने के मिलेला, बांझ बांझ। रवो के भी तो लोग कितना ताना मरले बा, और आज जब पहला बार हमके उन लोगन के जवाब देवे के मौका मिलल बा, तो रवा कहता नहीं कि हम कह दी कि हमार बच्चा मरल पैदा भइल बा। आज माई बनला के बाद भी रवा हमरा के बांझ कहलावल चाहता नहीं। सुनी, हम आरती के अपन बच्चा दे सकता नहीं, लेकिन एक बेर, बस एक बेर हम ही दुनिया वालन के बतावल चाहता नहीं कि हम बांझ नहीं की, ये बच्चा ये हमार बच्चा बा, हम एके जन्म देले बानी। ना सुधा, ये नहीं के हो सका, दुनिया के साथ साथ आरती के भी ये पता चले के चाहिए कि ये बच्चा के आरती जन्म देले बाड़ी, तू ना। ना, हमरा से ही नहीं के हो सकत। हम तोरा से आखिरी बार विनती करता नहीं, हमार बात मान जा। रुआ हमार बात समझे की कोशिश करी। देखा, तोरा हाँ कला से वो बेचारी की जान बच जाई, और तोरा ना कला से मर जाए। हम तो कहते बानी कि अपन बच्चा ओके दे दे, लेकिन ओकरा से पहले एक बेर, बस एक बेर हम उ लोगन के मुंह बंद करल चाहता नहीं जे हमरा के बांझ कह कह के ताना मर ले बा, और ये हम करके दिखाई। हम बाप बन गए नहीं भैया। का? हाँ भैया, चलो देखा ना कितना सुंदर लड़का बा। सुधा, हम तोरा से कबो जीत ना पोनी, आज फिर हार गई। भौजी, भगवान की मर्जी और तकदीर के खेल तो हम नहीं खी जानत, लेकिन अगर आरती के गोद सुना करके भगवान तुहार गोद भर देले रहते तो हमरा ज्यादा खुशी होके, हमरा नजर में हमरा औलाद से बढ़ के तोरा आंसू की कीमत बा भौजी, मत रोवा भौजी। अरे आवा आवा,
आज हम बहुत खुश बानी। वो यही से कि हम नाना बन गए बानी और ये खुशी में हम पूरा गांव में लड्डू बटले बानी। एक को घर नहीं के छोड़ ले। प्रधान बाबू तहू लड्डू खा। इका करे दानी जी डोरा नहीं के मालूम का केका लेका मर गई। अरे हम तो सुननी हाँ सुधा के लेका सुधा के कोखे में मर गई। हमने के बहुत दुख भइल पर का करबू लोग कहेला कि केहू केहू के कोखे खराब होला। तू का कहता रुमाई तू होश में तो बाड़ू। हम सही कहता नहीं और हम का सारी दुनिया कहता कि मनहूसा मनहूसे रही। आरती अगर ये लोग तुहार माई बाप ना रही तो अपन भौजी के बेइज्जती करे वाला के वो हाल करती कि पूरा दुनिया याद रखी। अरे बाबू तू हमरा के का आंख दिखावा तारा। अरे मनहूस आज अपन लेका के खैलस एक दिन तोरो लेका के न खैलस तो हमार नाम बिजली ना बिजली याद रखी हा। बहु अपना माई बाप के कहा तुरंत यहाँ से जाएगी ना आज यहाँ अनर्थ हो जी। माई हम तोरा हाथ जोड़े तानी तू लोग चुपचाप यहाँ से चल जा। माई हमने हमार नाती और तोरा के लेले बिना घर से ना जाए। ये लोग ना जाए तू लोग जा यहाँ से। हमने के तो जाता नहीं जा बाबू लेकिन तू एगो बात याद रखी हा तू अपन भौजी के पैर में अनहर हो गई बाड़ा तोरा के कुछ नहीं के लौकत लेकिन हमरा के लौकत आ। ई मनहूस आज अपन लड़का के खेले भी आ और याद रखी हा ई तोरा लड़का के खा जाई तोर लड़का के निमोनिया हो जाई हैजा हो जाई ऐसा बुखार हुई तेज बुखार में तोर लड़का तड़प तड़प के मर जाई। दीदी दीदी ई ल तोहर लड़का ना ना ल ना दीदी ना आरती हमरा बहुत डर लागत ना। दीदी डरी मत ई तो तोहरे लड़का हा तू ही एकर माई हौ। हाँ दीदी हमरा के तो सिर्फ माई कही लेकिन तोहरा के तई बड़की माई कही। दीदी तू तो माई से भी बड़के बाड़ू ल ना दीदी ल। दीदी हमार माई बाप तो अनपढ़ बालोक उ लोग के बात के बुरा न मानी। हेलो हेलो एनीबडी इज हियर इज इट भोलाराम साउस। हाँ मई भोलाराम कही का बात बा। वेयर इज योर ट्रैक्टर आई हैव कम टू टेक योर ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर करा था का हो गए जी। अरे पता ना ये का अंग्रेजी में ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहा था। Oh you stupid man, you have not paid the installment of our bank, so I have come to seize your tractor, understand? Oh come on, don't waste my time. So your tractor, you idiot. Shut up. Whom are you calling idiot? They are not. You are idiot, stupid. Don't you know how to behave with your elders? This is your etiquette? What's your problem? Look, madam, look. He has not paid the installment. So I have come to take the tractor. Okay, Mr. Manager. Look, you will get back your money within 3 days. Understand? Now get lost. Bahu, wo sasur kaha kahat rahe? Rahua, bank se kono tractor le le bani ka? Haan, loan mil le le rani. Okar... तीन को किस्त नहीं की भर ले का? अब का बताई बहु जब से सरकारी राशन की दुकान बंद भइल बा तब से हमारी किराना की दुकान भी नहीं के चलत वही से लोन ना भर पाऊनी। यही से वो अपन ट्रैक्टर ले जाए खातिर आयल रहल हा। त तू का कह के बगावले बेटा? हम कहनी कि 3 दिन के अंदर लोन के पैसा भरा जाए। 3 दिन में इतना पैसा कहाँ से आई? कितना पैसा हुई बाबूजी? कम से कम 2 लाख। ई ली बाबूजी ई जेवर 2 लाख से ज्यादा के हुई एकरा के बेच के लोन चुका दी। ना ना बेटी एकर जरूरत नहीं खे। कैसे जरूरत नहीं खे लदे हमरा की दे। अरे तू इतना अंग्रेजी कहां से सीख लू? हां हम तो बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं जी। हाँ? अंग्रेजी में एमए है। लेकिन तेरा बाबूजी तो कहत रहले कि तू 10वीं फेल बाड़ू। रहुआ 10वीं फेल बानी और रहुआ हमरे सामने शर्मिंदा ना होई ए खातिर हमरे बाबूजी ऐसे बोलले रहले। हम चाय बना के लावतानी। चाय चाय चाय, चाय?
चाहे चाहे। आरती इका बार बार अपना लड़का के हमरा लग के छोड़ के जाता रो। अब का बताएं दीदी, एक रगी दिन रात उठौले उठौले हमारा हाथ हमार गोड़ सब बहुत दुखाए लागल बा। दीदी एक रगी अपने लगे सुता ली ना। ठीक बा, तू जा आराम कर। अरे माई रे माई, हमार डार हमार हाथ हमार गोड़। अरे आरती का भाई, डॉक्टर के बुलाएं का? रहुआ चकमा खा गई नी ना। चकमा? कैसन चकमा? दीदी के सामने हम ऐसे नहीं नाटक कहीं नहीं, तो वो गुड्डू के ले लेनी है। नाटक? लेकिन नाटक की जरूरत का बा? रहुआ समझी ना, भगवान दीदी के लड़का छीन ले ले, हम ऐसे नाटक करके गुड्डू के दे देनी तो हमरा बड़ खुशी होला। अच्छा तो ये बात है। बदमाश। ए भौजी, मछली खेले बहुत दिन हो गई बा, बहुत खाए के मन करता। तो ठीक बा, हम काले रोवा खातिर मछली बना दे। अच्छा हाँ, लेकिन मछली यहाँ किचन में ना, वहाँ बाहर बनावे के पड़ी चूल्हा पर। ठीक बा। अरे भाई रे, इतना जर गई। हम बोला सुनिए जठा।
विवाह के बाद रउआ हमरे संगे पहली बार मंदिर आयल बानी। हमरा कितना खुशी होता हम कह नहीं की सकत। अरे देखो लोगन का जोड़ी आ रहल बा, ट्रक के साथ स्कूटर आ रहल बा। अरे तानी लोग वो गीत सुन ले बाड़े की ना? कौन गीत? अरे वो है अरे जिसकी बीबी मोटी। अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, अरे बिस्तर पे लेटा दो। अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है, बिस्तर पे लेटा दो। ए मोटी 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 तोनी के इतना हिम्मत कि हमारा मेहरारू को छेड़ तरसन। अरे करिया भाटा ढेर बोलबा नू, एक के मारब कोहरा के तरह फाट जाए तेरी तो। शर्मिंदा बानी काहे कि पति हर कदम पे पत्नी के रक्षा करेला ना, लेकिन आज आज एगो पत्नी अपन पति के रक्षा कइले बाड़ी ना जी, बहुत शर्मिंदा बानी ना। रउआ रउआ हमरा खातिर इतना मार खइनी इहे बहुत बाजी। सारी रात पट्टी बंधत रहलू का हो? अरे तू तो बड़ी सती सावित्री बाड़ू। अरे चार बज गईल बा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा घर के सारा काम पड़ल बा। अरे वो क्या करी तोरा बाप, अब चला हमारे साथ ही चला। आवत आनी माजी। रानी एक दिन हम तोरा से कहले रहनी कि खाली ये कमरा के बाहर ही तू हमार पत्नी बाड़ू, लेकिन आज हम तोरा से कहता नहीं कि ये कमरा में भी तू हमार पत्नी बाड़ू। चला हमरो पता बाटा सन, अगर ही खेली तम जाता नहीं। डरा गईला का हो? ताज के बादशाह हैं हम, आज तक के गांव में जुआ में हमरा के क्यों नारा पौलस। रामेश्वर सिंह नाव है हमार। अच्छा चल पत्ता बाट। हमार 50 के चाल, हमार 100 के चाल। अच्छा हमरो 100 के इले 200।
400 के चार पत्ता खोला। 3 गुलाम। अरे हमार तो 3 दहला निकल गए दिमाग। रामेश्वर भाई आज पहली बार तो जुआ में हारल बाड़ा। हाँ। ओ, तोहरा जीत के खुशी में हम ना पिए पत्ता बाट। आए है, अब हम सब अच्छे बाबा सब पता बामनी के तू पिया ला। हम जाता नहीं। अरे दत मरते पहले जोन भेल तो भूल जाए, गलती हो गई माफ कर दम रख। अब गांव घर में इतना ऊंचनी तो हुकबा करेला बेकर का मतलब कि गांव भर दुश्मन हो जाई है। अरे महाराज माफी मांगता नहीं तोहरा से, हाथ जोड़ता नहीं। अब कहा तक गोल बल्ली तोहार है। चलो ठीक बा, दुई बोतल मंगेली बड़ा का। अरे प्रभु तू कहा तो तोहरा खातिर दारू के एकदम दुकान खुलवा दिए। हे राहुल जो ठेका बजा के हमारा नाव बता के 2 बोतल और लेके आ भैया। अरे लखन वो देखा तो और भैया आ रहा है। चाचा भाग चल 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 चल। करता धनेश। अरे ये गांव के जुवारी हमन सब भैया। ओमे एगो लखन जैसन लगत रहे। लखन अवता। नमस्ते भैया। नमस्ते। यो खेले लगा ये तो पक्का जुवारी बा भैया। वो जो लड़का हमके लगा लखन जैसन वो लखन ना हो सकेला, कहें कि जहां रमेश्वरा रही वहां हमार भाई रहिए न सकेला। एगो और जगह बा जहां तोरे भाई का परछाई भी ना पहुंच पाई। कहां? हमार खलिहान। ए मेरा भैया। हाँ भैया। अरे बनाओ बनाओ पैक खाली होगा लखन भैया का। हाँ हाँ। पहला बार रट्टा बैंड मारा है। पियावा जम के। कंजूसी ना करा बिल्कुल। हाँ। भैया और का हाल चाल हो? अरे भैया मत पूछा, हम तो के कहाँ कहाँ ना खोजनी। कहे कोनो खास काम? एकदम भैया खास काम। वो दिन तुहार सक एकदम सही रहे भैया। कौन सा? उहे कि लखन रोज रोज जुआ के अखाड़ा में बैठा। क्या बात करता रहा? एकदम खबर पक्का भैया। और जाना तरह केकरा संगे? केकरा संगे? जोगेश्वर के बेटा रामेश्वर के संगे। और तो और भैया साथ में गुलदारू और मुर्गा भी चलेला। सुधा सुधा का हो गिल जी? अरे लखनवा आजकल जुआ खेले के लत धले ले बा। का केकरा साथे खेला था रे? अरे गांव के लुच्चा लफंगा आवारा लेकिन के साथे। और तो के पता बा ओकर आजकल उठना बैठना केकरे साथे बा? ओ जोगेश्वर के बेटा रामेश्वर के साथे। रउवा सच कहता नी? अरे हम एकदम सच कहता नी। आरती भी कहत रहली कि आजकल देवर जी रोज दारू पी के घर आवता रे। का? अरे तो तुम के पहले का ने बतालू। रउवा गुस्सा कमारे तोहरा के छक्का बना दिलन का रामेश्वर भैया? अरे जाए तो भैया मजाक करा था। अरे तोहर बाबू जी आवे तो मरते लुकावा के कोनो जरूरत नहीं। बैठो बैठो बैठो। अरे रहे दा दामाद बाबू बोतल लुकवावे के जरूरत नहीं के। अरे जवानी के जोश बा ये बेरा ना खाए पियब तका हमरा नियन बुढ़ौती में खाए पियब बा। वैसे जोगेश्वर भैया कबो कबो हमरा भी चलेला। अरे आज तो हम अपना दामाद के संगे बैठ के पियो। पैक बना एकदम एकदम ला पटियाला पर। अच्छा बेटा लखन हम अपना बेटा रामेश्वर के साथ दारू पी रहल बानी, ये देख के तोहरा अटपटा तो जरूर लागत होई है। बाकी ये में तोहार कौनो दोष ना बा बचुआ, दोष बा तोहरे भाई राम के। अरे लखन बाऊजी के बात का बुरा मत माना हो। अब बाऊजी के कहे का मतलब ये है कि तोहार बड़का भैया राम तोहरा के बचपने से अपना लड़का नियन पलने पोसले। हाँ रामेश्वर बचुआ एकदम ठीक कहता रे। ए बेटा बाकी तोहरा भाई राम में एगो गलती बा, दरअसल वो तोहरा के बहिन लड़का ही समझे ले और लड़का समझ के हरदम डांटत फटकारत रहे ले। आ तोहरा के अपना मन से कुछ छो नहीं के करे दे, जबकि उनकरा की समझ लेवे के चाही कि अब तू जवान हो गेल बड़ा बाल बच्चेदार हो गेल बड़ा। ए बचवा ये जब बाप के जूता बेटा के पैर में आ जाला नू तब बाप के वो बेटा के अपन दोस्त समझ लेवे के चाही। काहे इतना खिसियाता नहीं? त
तनी शांत हो जाए ना। कहां से आओ तेरे रे? भैया हम देखा दारू, इतना दारू पीले बाकी अगर मुंह से बोली नहीं खली गला केकरा संगे बैठ के दारू पी ले रे और ते जुआ खेले तारे ना भैया वो हम एकरा मालूम नहीं के जो के सारा हमार कितना बड़ा दुश्मन ना ओकरा बेटा के साथे बैठ के जुआ खेला था दारू पिया था ही। हां तो खेलता नहीं जुआ, जे के जन करेगा बा कर ले ते हमरा से जवान लड़ा होता रे। माना तो नहीं कि तू हमरा के पाल पोस के बड़ा कहले बड़ा, लेकिन नमू अब लड़का नहीं की हम बाल बच्चे वाला आदमी हो गई बानी। और हाँ, बात बात पे हमरा ऊपर हाथ उठाओ के जरूरत नहीं खे, जब बेटा के गोड़ बाप के जूता में आ जाए ना तो ओकरा पे हुकुम ना चलाओ के चाहिए, ओकरा के अपन दोस्त बना लेओ के चाहिए, हुकुम चलाओ ना बार बार। भैया फोन आवता। अरे बंद करा। भैया घर से फोन आवता। भैया जी गुड्डू के तबियत बहुत खराब हो गई बा। का हो गई? ओकरा बहुत तेज बुखार बा, रोवा जल्दी घरे आ जाए, हम देवर जी के भेजले बानी डॉक्टर के बुलावे खातिर। आई डॉक्टर साहब, जल्दी आई डॉक्टर साहब, देखी ना का हो गई बा गुड्डू के। देखती हूँ। इसे नहलाया था क्या? हाँ। कब? सुबह मालिश कैला के बाद। इसे तो निमोनिया हो गया है, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी, इतनी छोटी सी उम्र में निमोनिया होना बहुत खतरनाक है। मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, अगर 12 घंटे के अंदर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आरती, अरे घबराए की जरूरत नहीं है, गुड्डू ठीक हो जाए। डॉक्टर साहिबा, रवा तो जानत आनी गुड्डू के हम जन्म दिले बानी, अगर गुड्डू के कुछ भी हो जाए तब हम जी ना पाए। डॉक्टर साहिबा, हम मर जाए। सुधा, तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी की यदि भगवान की नजरों में जरा सी भी कीमत होगी तो यकीन रखो बच्चे को कुछ नहीं होगा। चिंता मत। आरती, डॉक्टर साहिबा सुई लगा दिले बानी, देखियो बाबू एकदम से ठीक हो जाए। तोड़ लेकर के निमोनिया हो जाए, हैजा हो जाए, ऐसा बुखार हुई एक बुखार भी तो लेकर तो आप के मर जाए। नहीं आरती, आरती दीदी, भैया की कहीं ना कि गुड्डू के हमरा की दीदी हम अपना नहीं है लेके जाता नहीं। अरे पगला गिल बड़ू का तू, गुड्डू के हाल में लेकिन नहीं हर जाइबू। हाँ जाए, कहे कि अब हमरा के विश्वास हो गई बा कि गुड्डू ये घर में रही तो जिंदा ना बची। आरती, ये तो कहता रू। आरती बिल्कुल सही कहता रही। इला, संभाला अपन लड़का, जल्दी से ले जा अपना लड़का के। ये हालत में एकर अकेल गई ठीक नहीं के, एकरा से कह यो साथे चल जा। हाँ देवर जी, रवो संगे चल जाई। ठीक बाबू जी। अरे दामाद जी, खुश रह खुश रह। आरती के माई, ए आरती के माई, अरे देखा के आई बा। आरती, अरे हम तो जानत रहनी कि तू जरूर आईबू। अरे अपन माई होले माई, गुड्डू के निमोनिया हो गई बा, हम तो तोरा के पहले ही समझावत रहनी, पर तू कहाँ मान लू। देखा वो बाजीन के चक्कर में लेका के कहा हाल हो गई बा। अरे क्या कर देगा तारे, जा डॉक्टर के बुला। ओकर कोनो जरूरत नहीं है, डॉक्टर सुई लगा देल बड़ी। अरे रघुआ चुप रही, हम अपना डॉक्टर के बुलावता नहीं। अरे नेता, डॉक्टर मुखर्जी के फोन लगा के जल्दी बुला। माई, इनके तो सही में बुखार बा, बहुत हालत खराब बा। से ला पारा नवा
तोहरा दरबार के खाली के लौटल न पुकार के अनिता ने जो इंजेक्शन दिया था वो बिल्कुल ठीक था। घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा खतरे से बाहर है। भौजी, भौजी। का भइल देवर जी, गुड्डू ठीक तो बानू? हाँ एकदम ठीक बा। डॉक्टर साहब आइल रहले हैं, आप बतौले हैं कि खतरा की कोनो बात नहीं। देखनी माई हमनी के गुहार सुन लेनी। सब अंगार मोती माई की कृपा। जय देवी माई। अरे भाई हमार नाती बच गई ई ओकरा खुशी में। अरे बहुत बढ़िया भइल, एकर लड़का बच गई। एक तो एगो लड़का भइल खानदान के वारिस, अगर ओहू के कुछ हो जाए तो एकरा जमीन जायदाद के कोई पूछवइए ना रही। हे बचवा, इनके जमीन जायदाद बा का? अरे कैसन बात करत तनी जोगेश्वर भैया, हमार दामाद जी के 400 बीघा खेती बा। तो एकर कहां बा? वो तो कुल एकरा बड़ भाई के बा। तू फिर ये सब फालतू बात करे लगला, हम जाता नहीं। तू खिसिया बहुत जल्दी जाला महाराज। अरे भाई से हमार कहे का मतलब ये रहल है कि भाई के देख रेख में है। और वैसे भी लखन ये बात तो पूरा गाँव जाने लाना की सारा जमीन तोहार बड़ भाई किलने पड़ा का बाबू जी। बिल्कुल। तू कब हो अपन खेत बाड़ी झाके गए बड़ा? हमरा भैया के रहते जाए कौन जरूरत बा? ओहो, आज तोहार भाई जिंदा बाड़े, कल ही मर गए ले तो। काका। अरे बेटा तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाला। ये लोग ठीक कहता रे, कल केहू भी मर सकेला। अरे तू मर सकेला, हम मर सकेनी, ये लोग मर सकेला, कल के देख ले बा। अरे देख बेटा, भगवान न करे काले तोहार भाई के कुछ हो गए तो तोहार जमीन कहाँ से कहाँ ले बा, तोरा के मालूम बा? Ha
अगर काल तुहार भाई ना रही है तो गांव वालन तुहार जमीन कब हड़प ली है बाबू, तोहरा के पतो ना चली। देखा बेटा, तोहरा बाद ये खेती बाड़ी केकर हुई तोहरा बेटा के ना, और खेती बाड़ी के अलावा तोहार कोनो धंधा नहीं खे। अगर ये खेती बाड़ी ना रही तो तोर बाल बच्चा भूखे मरिए सर ना। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अब हम का करें? ए बचवा, तुमके कुछ छो करने की जरूरत नहीं खे, तू बस खाली एक काम करा, अपना भाई के पास जा और जाके उनसे पूछा कि हमारा हिस्सा के जमीन कहां से कहां तक बा। ना, ये सब हमसे ना हो सकेला। हम अपना भाई से आज तक कोनो सवाले नहीं की कहले। अरे देखा बेटा, हम जाना तनी के तू अपना भाई के बहुत इज्जत करेला। अरे मुंह से ना पूछबा तो लिख के पूछ ला, अगला खुद समझ जाई। और हां हे बचवा, तोरा लिखे के तकलीफ करे के भी जरूरत नहीं है। रामेश्वर बाड़े नु वो लिख दी है, तू तो बचवा बस खाली ओपे दस्तखत कर दिया। रामेश्वर देखत का बड़े जो निकला अब पहले होता नहीं। हाँ। ला, ला, ला। ला साइन करा। ला बचवा बचवा सोचा मत, कर दे साइन कर दे। हाँ बेटा ज्यादा मत सोचा, अरे तुहार भलाई खातिर करा तारी जा। अरे हम तुहार ससुर हैं, दुश्मन ना। चला फटाफट साइन कर दा बाबू। अरे कर दा बेटा कर दा, कर दा, बिल्कुल मत सोचा का बड़ा। हाँ। कर दा। गिल जी बड़ा गुस्सा में लागे तानी, राउर तबियत तो ठीक बानू? हाँ, हमार तबियत एकदम ठीक बा। अब हम जैसे जैसे कहा तानी तू वैसे वैसे करा। ये घर में जितना कीमती सामान बा, सोना चांदी टीवी फ्रिज सब घर से बाहर निकाला। हाँ निकाल दे तानी, लेकिन बात का इला चिट्ठी पढ़ा। ते में इतना नाराज होके के कौन बात बजी? देवर जी तो खाली इतने पूछ ले बानी कि हमार जमीन कहाँ से कहाँ तक बा। पूछ दे लसदा। अरे जोने भाई के हम अपने औलाद के तरफ पाल पोस के बड़ा के नहीं, वो आज हमसे पूछा था क्योंकि हिस्सा की जमीन जायदाद कहाँ तक बा। देखी हम देवर जी के लिखावट अच्छा से पहचानत बानी, ये चिट्ठी ऊ ना केहू और लिख ले बा, देवर जी के तो खाली हस्ताक्षर बा। हस्ताक्षर कहले बा कि हमारे जमीन जायदाद का हिस्सा कहाँ तक बा, मतलब बंटवारा करके चाहता ना। सुधा हमने दोनों भाई के अलग करे में हमारे दुश्मन कबो कामयाब ना भइल, लेकिन लेकिन आज हमारे भाई कामयाब हो गए। तो एकर मतलब रउआ बंटवारा करब? हाँ करब बंटवारा। वो दिन दारू पी के हमारे बेइज्जती कइलस, आज पूछता कि हमारा हिस्सा के जमीन जायदाद कहाँ तक बा, और आज अगर हम बंटवारा ना करनी तो गांव के लोग कहे कि छोट भाई बाल बच्चा वाला हो गई, और अपन हिस्सा मांगा था तो बड़ भाई बंटवारा नहीं क्या करा, पूरा जमीन जायदाद हड़प के बैठल बा। ऐसे बंटवारा कर पूरा गांव के सामने बंटवारा कर। क्या हल रहे तुहार सब जान कामयाब हो गई? अरे हाँ भाई, उरमवा है ना सब जायदाद के बंटवारा करा था। अरे अब पूरा गांव वालन के बुलावले है कक्का। अच्छा इतना गहना देखनी है कक्का, कम से कम 80-90 लाख के ता जरूर होई। हाँ का 80-90 लाख? हाँ अरे बाप रे बाप, इतना पैसा हमरे लगे रहा तो विधायक के चुनाव लड़ जाते। सब सामान आ गई? हाँ बस ये बाचल बा। ये जो गहना पहनने वालू यो सब उतार के रख दा। परात एके गोबा एकरा के का करी भैया? हमरा से कहो छता दो टुकड़ा में काट के मार दा। अरे राम भैया का भइल, हमनी के काहे बुलावले बाड़ा? धनेश हमार भाई लखन हमरा से हिस्सा मांगता रहे। लखन और हिस्सा?
तोहरा के जरूर कोनो धोखा भइल बा भैया, लखन ऐसा नहीं कर सकत। अरे हम सही कहतानी धनेश, और के बा जे हमरा जायदाद में दावेदार बा और हमरा से हिस्सा मांगे। आवा आवा हमार भाई, तू जानल चाहत रहला ना कि तुहार हिस्सा के खेत कौन है, कहां तक है। यह जमीन के कागजात के दो हिस्सा, आधा एक तरफ और आधा एक तरफ ले ला। हमके माफ कर दे भैया, वो दारू के नशा में हमसे भूल हो गई रहे भैया। और दिन तू दारू पी के हमके बेइज्जत कर देला, फिर तू दारू पी के हमरा से हिस्सा मांग लेला, और आज अगर हम तो के हिस्सा ना दे तो काल तू दारू पी के आई बा और हमके थप्पड़ मार देवा तब। तो ऐसे अच्छा बा बबुआ कि आज फैसला हो जाए, हम पूरा जायदाद के दो हिस्सा में बांट देले बानी, तो के जौन हिस्सा चाहे तू ले ले। ना भैया, ना भैया, ना भैया, अरे ये सब धन दौलत का चीज है भैया। अगर तोरा मुकाबला में पूरा दुनिया के दौलत रख दे जाओ ना, तब वो दौलत के ठोकर मार दे भैया, और तोरा पैर पे अपन मुड़ी रख के तोरा के चुनब भैया, तोरा के चुनब। अरे हमारा धन दौलत जमीन जायदाद कुछ ना चाहिए भैया, कुछ ना चाहिए भैया। लेकिन हमरा के चाहिए, हमरा के तोहर भैया भौजी ना चाहिए, ना कोनो हित ना रिश्तेदारी चाहिए, हमरा के बस जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। ऐसा भैया भौजी तक कितना मिली है, लेकिन ये जमीन जायदाद की दौलत कहां से मिली? आरती चुप रह, ये का बकवास कर रहा तू, होश में दौड़ू। हां हम होश में बानी, हमके तोहर भैया भौजी ना चाहिए, हमरा के दौलत चाहिए, दौलत। और हां दौलत रही था दुनिया के बाजार में कितना भैया भौजी मिल जाए लोग। अरे हम तो सोचत रहनी कि ते कीचड़ में खिलल कमल बाड़े, लेकिन आज ते अपन असली औकात दिखा देले, आज ते साबित कर देले कि ते नीच माई बाप के नीच औलाद हवे। बंद कर सब इसर तमाशा, ई घर दुआर, ई खेत खलिहान, जमीन जायदाद सब रखलसन, हमने के कुछ ना चाहिए। हम और सुधा सब कुछ छोड़ के जाता नहीं जाए। सुधा चल यहां से। भैया तो पैर पड़ा था नहीं भैया, भैया हमरा के छोड़ के मत जा भैया, भैया भौजी भैया के समझावा ना भौजी, भैया के समझावा ना भौजी, भौजी रे तोरा धन चाहिए ना, तोरा दौलत चाहिए ना, तो इले 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 इले। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज के बाद हमार तो से कोनो रिश्ता नहीं है, हम तोरा से अपन हर रिश्ता तोड़ता नहीं। आज के बाद न तू हमार पत्नी न हम तोर पति। तोरा जॉन सोच के बस सोच, हमरा के कोनो फर्क नहीं पड़ता, हमरा के दौलत चाहिए, सिर्फ दौलत। अरे दे देता नहीं, इतना भी का जल्दी बा। रमेश्वर। हाँ भाऊजी। है बचवा। हाँ। जेवर लेके आता हूँ। वाह काका वाह, तो ये सब तोहार खेल रहल है, अच्छा से बहला फुसला के हमरा के हमरे भैया के खिलाफ खड़ा कर देला, और दोनों भाई में बंटवारा भी करवा देला। पता ना तोहर माई तोहरा के का खा के पैदा कैले बिया, जे तोहरा रग रग में कमीनापन भरल बा। ए, ते हमरा बाऊजी का कमीनापन देखले कहां बाड़े रे, अब देखबे। हे बाऊजी देखा अपन कमीनापन एकरा के, देख ले देख अब हमार कमीनापन, ले देख देख हमार कमीनापन। हमरा बेटा के अगर खरोच भी आई ना, तो तू दोनों बाप बेटा के जिंदा जमीन में काट दे। एक फिक्र ना के बढ़ाओ लेना, तो देख देख तेरे लड़के का क्या हालत कर दे। Ha 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 ha!
बताई मैडम, लखन भैया राम भैया से अपन हिस्सा मांगत रहे, यही से राम भैया अपन सब कुछ उनका देके ई गांव छोड़ के चल गई ले। क्या के बीच में दरार डर ले रहे। चुप रहे, सब पता बा हमरा। गांव के बड़ बुजुर्ग हवा, यही से तुहारी जद करत रही, तोहरा के काका कहत रहनी। लेकिन तू इतना नीच हो गई बाड़ा कि तू अपने दिल से पूछा कि तोहर कितना इज्जत होके के चाहिए। अरे ससुर के नाती कुकुर, हम तोहरा के अपन जान के तोर हर सही गलत काम में साथ देत रहनी है, तय हमरा नाती के कुआं में डाल देले रहले। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये हा गिरफ्तार कर लिए क्राके, ले जाओ इसे। चल 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 चल। सुधा खड़ा काहे बड़ो, जेकर लड़का बाओ के दे दा, चले यहाँ से। हाँ जी आरती, ईला संभाल अपन लड़का। रुको सुधा, ये बच्चा तुम किसे दे रही हो? अरे जेकर बच्चा हा ओकरा के देता रही, और का? अरे हाँ
बात तो सारा गांव के पता बा कि ये हमार बेटी आरती के लिए कहा। ये आरती का नहीं सुधा का बेटा है। अरे एक उल्टा सीधा बोला तारू। अरे कर तो लेके कर कोखे में ही मर के रहे। उल्टा सीधा मैं नहीं तुम बोल रही हो। सुधा का नहीं आरती का बच्चा उसकी कोख में मर गया था। नहीं सुधा आज तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सबको सच बता के रहूंगी। आरती के बच्चे के मरने की खबर के बाद कहीं सदमे में आरती की जान न चली जाए इसलिए सुधा ने अपना बच्चा आरती की गोद में रख दिया था और इसका गवाह मैं और मेरा पूरा स्टाफ है। तैं हरदम सुधा के सरापत रही लेनू कि होकर बेटा मर जाए। देख आज हमरे बेटी के बेटा मर गई। इस देवी जैसी औरत ने इतने ताने सुनने के बाद भी इतना बड़ा बलिदान दिया और आप लोगों ने इन्हें ही घर से निकाल दिया। दीदी आरती हमरा के माफ कर दी। दीदी हम जोन भी तमाशा कही नहीं वो गुड्डू की जान बचावे खातिर कही ले रानी। वो जोगेश्वर गुड्डू के गर्दन पे तलवार धर के हमरा के बंटवारा करे खातिर भेज ले रहे। हम के माफ कर दे। ना आरती तोरा के हमसे माफी मांगे के कोनो जरूरत नहीं के। अरे तू तो हमार बहन हो और का बहन कब बहन से माफी मांगे ली। सुधा बहुत हो गई चला यहाँ से। अरे कहाँ जा जा कर तरह तू हमार भैया ना हवा। अरे तू तो हमार बाप हो और बाप अपना बेटा के माफ ना करे लगा। हमरा के माफ कर दे भैया। हमरा के माफ कर दे। हमरा के माफ कर दे भैया। हम तोरा के एक शर्त पे माफ कर सकत नहीं। तू जो मन बोला हमरा के मंजूर बा भैया। हमनी के घर के बर्बाद करे में सिर्फ दो चीज के हाथ बा दारू और जुआ। अरे दारू और जुआ तो बड़ बड़ राजा महाराजा के बर्बाद कर देलस तो हमार और तोरा औकात का। तू हमरा से वादा कर कि आज के बाद दारू और जुआ के हाथ ना लगेबे तबे हम घर चल सकत नहीं। हम तो अर्क्रिया खा के करते नहीं भैया। हम ये दोनों चीज के कबू जिंदगी में हाथ ना लगाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा मैं किसे दूं। अरे देवू केकरा के हमरा के दम कहे कि एकरा पे सबसे ज्यादा अधिकार हमार बा। कहे कि हम एकर चाचा हैं। वो तो ब्रेक मार रहा है पर हमारा नहीं लग रहा। हम लोग कभी भी उसको मार सकते थे।